जिसको भी कोई प्रॉब्लम है, लत लगी है, उसके लिए ही शुड चैंट दामोदर दामोदर दामोदर, इसकी 108 माला बना ले, उससे फर्क पड़ता है। मैं गारंटी देती हूँ विद इन 11 डेज 21 डेज यू सी यू विल बी नॉट द सेम पर्सन, आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, आपका मन अध्यात्म की तरफ लगना शुरू हो गया है। जो सतयुग में भी हो रहा था वो आज भी हो रहा है। क्या उस समय दुर्योधन नहीं थे, कंस नहीं थे, शकुनी नहीं थे, जो आज आप बोल रहे मंथरा ककई नहीं थे? मैं तो बोलती हूँ अगर अभी ज्यादा है मंथरा ककई वगैरह, अगर हम अपनी ब्रीथ के ऊपर कंट्रोल कर ले, जो हमारे ब्रीथ साइकिल है, अगर हमने उसको कम कर दिया तो उससे हम अपनी एज को कंट्रोल कर सकते हैं। हरिओम गुरु मैं, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी, अच्छा लगा आप लोगों के पास आके, बहुत खुशी हुई मुझे भी। मैं सच बताऊं हमारी टीम को और मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिल रही है कि हम मतलब डायरेक्टली आपसे मिल रहे हैं। अभी रिसेंटली हमने ना आपके कुछ पॉडकास्ट देखे थे, तो वो देखकर हमें लगा कि नहीं हमें आपसे मिलना चाहिए। और जो मैसेज आप यूथ को देना चाहती है ना, वो मैसेज यूथ तक पहुंचाने में हम चाहते कि हमारे भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो उसमें। मैं अपनी ऑडियंस को थोड़ा बताना चाहूँगा आपके बारे में। आज हमारे साथ है प्रेममय गुरु माँ और आज हम बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे, और मेन मोटिव होने वाला हमारा गीता के बारे में। हमारी जो यूथ है, मैं जानता हूँ, आप जानते हैं और हमारी ऑडियंस भी बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि हमारी यूथ आजकल क्या कर रही है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है उनके लिए अगर वो गीता को समझें। और गीता को समझने के लिए मैं चाहता हूँ कि आप हमारी थोड़ी सी हेल्प करें, ताकि हम गीता के बारे में लोगों को बता सकें क्या क्या ऐसे चीज़ें हैं जो हम बहुत ही इजीली तरीके से हम अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं, हम अपनी लाइफ को इजी बना सकते हैं, और सबसे मेनली हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं बहुत ही सिंपल वेज में। आजकल ना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ गई हैं। अगर हम बात करें सोशल मीडिया की, यूट्यूब की, तो हर कोई चाहता है कि मुझे ना अपनी प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन मिले। लेकिन या तो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया गया है कि आप ये चीज़ कर लो आपके साथ ये हो जाएगी, या तो उन चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया है। तो मैं थोड़ा सा ना आपसे जानना चाहता हूँ गीता के बारे में कि गीता का आपके हिसाब से सबसे पहला रोल क्या होता है एक किसी की भी लाइफ में। पहला श्लोक का जो उसने अर्जुन को जस्ट पहले क्या बोला, हमारा पहला होता है सरेंडर करना होता है, तो वो सखा था उसने क्या बोला, सर्व धर्म त्याजे माम मेकम शरणम, हे अर्जुन सब धर्म त्याग के मेरी शरण में आ जा। इसका मीनिंग क्या होता है, फिर तुम्हें कुछ भी नहीं करना, वो चाहे सूरज को पानी दे रहा है, चाहे कोई भी कर्म कर रहा है, अगर भगवान की शरण में चला गया तो सब खत्म हो जाता है, जो बहुत 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 मुश्किल होता है उसको करना। तो इसके बाद जो है गीता का सार, जो बहुत सीधा सरल, हमारे स्वामी विवेकानंद ने जब शिकागो में फर्स्ट टाइम वो गए थे, तो उनको किसी कोई उनके कमरे में आए, अंग्रेज थे, उन्होंने देखा किताबें सारी पड़ी हैं ऊपर तक पाइल्स अप हैं, गीता सबसे नीचे थी जी। उन्होंने बोला देखा तुम्हारी गीता तो बिल्कुल नीचे ऐसे गिरी पड़ी है। तो हमें, मैं यूथ को ये भी बोलना चाहूँगी कि गीता के मुताबिक जो क्लिक होता है ना इधर, शार्पनेस, इमीजिएटली तुम्हें जो अपने इंसल्ट भी नहीं होनी और दूसरे को भी जिता देना जी। उन्होंने क्या करा, गए उसमें से गीता को पुल करा और सारी किताबें गिर गई नीचे। उन्होंने बोला देखा बेस क्या है, गीता। तब वो अंग्रेज चुप हो गए थे कि मेन गीता के कारण ही हम घर चला सकते हैं, बिजनेस चला सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, रिलेशनशिप ठीक रख सकते हैं। तो मेन गीता का, हम सनातन धर्म में, हमारे हिंदुओं में हमारा जो शास्त्र है मेन, वो है गीता जी। तो गीता और भागवत गीता, भागवत गीता लिखी गई है जी। गीता लॉर्ड कृष्णा, भगवान कृष्णा ने खुद अपने शब्दों में बताई है जी। तो कहने का ये मतलब है कि लोगों को पता है क्या लगता है माँ, लोगों को लगता है, मैं सबसे पहले तो मैं आपको माँ कहकर यहाँ पर संबोधित करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे आपको कहना चाहिए। सबको लगता है मेरे साथ, मेरे पास और कुछ नहीं है, ये है कि जो इधर ममता होना चाहिए, जो प्यार होना चाहिए, जो अपने मोह वालों को करते वो नहीं, मैंने मोह वालों को प्राय बना के प्रायों को अपना बनाओ, फिर देखो तुम्हें सारे माँ ही बोलेंगे जी।
तो माजी, मैं आपसे थोड़ा जानना चाहता हूँ, मतलब बताना भी चाहता हूँ कि लोगों को क्या लगता है, क्योंकि मैं भी काफ़ी लोगों से बातचीत मेरी होती रहती है, तो उनके हिसाब से गीता ना, गीता जस्ट एक स्टोरी है, मतलब सबके लिए नहीं कह रहा, बट काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो कि महाभारत बताते हैं कि गीता क्या है, गीता महाभारत है, लोग ये मानते हैं, लोगों को पता ही नहीं है कि गीता में क्या लिखा गया है। तो मैं भी ये चाहूँगा कि आज हम थोड़ा सा इसी बारे में बात करें कि गीता में क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम डेली लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पे, अगर मैं ट्रेंड की बात करूँ तो ट्रेंड में ना आजकल कुछ स्विच वर्ड्स चल रहे हैं कि आप ये बोलो तो इससे ये हो जाएगा, ये बोलो तो इससे ये हो जाएगा। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या हमारे सनातन धर्म में या हमारी गीता में या हिंदुज़म में क्या कुछ ऐसे स्विच वर्ड्स नहीं हैं? हमारे वैदिक मंत्रास बहुत है जी। हमारे स्विच वर्ड जो वैदिक है, हम उनको क्यों नहीं अपनी डे टू डे जिंदगी में लगाएं? तो उसमें यूथ को मैं बताना चाहूँगी, सबसे पहले हमारे जो मंत्रास हैं, एक दामोदर मंत्र आता है जो लॉर्ड कृष्णा का ही नाम दिया जाता है, ये बोलते हैं एडिक्शन के लिए, जिसको भी कोई प्रॉब्लम है, लत लगी है, उसके लिए ही शुड चैंट दामोदर दामोदर दामोदर, इसके 108 माला बना ले, उससे फ़र्क पड़ता है। जनार्दन इज़ अनदर नेम ऑफ लॉर्ड कृष्णा ओनली, वो है सफरिंग्स के लिए, अगर हमारी ज़िंदगी में बहुत कष्ट आ रहे हैं, जनार्दन छोटे मंत्र हैं, यूथ को मुश्किल भी नहीं पड़ेगी। अभी कलयुग आते आते सब मंत्रों को बहुत शॉर्ट किया गया है जी, और बड़े बड़े शास्त्र भी कोई नहीं पढ़ रहे, बड़े छोटे उसमें आ गए हैं कि सो दैट हमारे लिए ईजी बन जाए, सरल चीज़ें बन जाए। फिर उसके बाद है आदित्य, सूर्य का मंत्र है, सूर्य सबसे बड़ा एनर्जी जो हमें देते हैं, तो इसके आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, इसके करने से हमें एक तो डिसिप्लिन लाइफ में आता है, बिकॉज सूर्य वही टाइम पे निकलते हैं, उसी टाइम पे सेट होते हैं, तो वो अच्छे डिसाइपल भी बनते हैं जो डिसिप्लिन में होते हैं। सो ओम आदित्याय नमः से एक तो हमारा प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है, हमें ऊर्जा मिलती है, एनर्जेटिक बनते हैं, बहुत सारे फ़ायदे, मैं तो 2-3 बता रही हूँ। तो ये वैदिक मंत्रास भी हम उच्चारण करें तो इससे कितना फ़ायदा हो सकता है। गणपति का बोलते, अगर रिश्ते तुम्हारे ख़राब भी हो रहे हैं, रिद्धि सिद्धि, गणपति की दोनों तरफ बैठे हैं, जो खाली दिवाली पे लोग करते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं, रिद्धि सिद्धि रिद्धि सिद्धि रिद्धि सिद्धि, शुभ लाभ है। हाउ सिंपल एंड हाउ नाइस मंत्रास, इतनी मेहनत हमारे ऋषि मुनियों ने करी है, तो हम क्या इसको अपने में कन्वर्ट करके हम नहीं कर सकते ये सब? बिल्कुल कर सकते हो, करना भी चाहिए। सप्तशती का मंत्र है, सर्व मंगल मांगले, सप्तशती के पहले पेज में ही, 2-4 पेजों में ही सारे मंत्रज हैं, बीमारी के लिए, रोग निवारण करने के लिए, मंगलमय बनने के लिए, सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वाद के शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हर लेडी अगर ये घर में करती है, एक ही 108 वाली माला कर ले, तो क्या मंगलमय नहीं हो जाएगा सारा? ये सभी मंत्र जो भी आपने बताए हैं या इसके अलावा जो भी मंत्रास हैं, वो सभी 108 बार करने हैं या इनका? करे तो बहुत अच्छा जी, 108 हमारा बनाया ही हुआ है माला का, तो उसमें जाता क्या, सेकंड्स भी नहीं है, जो मैंने ओम जनद्राय नमः कहो बोलो, ओम दामोद्राय नमः बोलो, मंत्र अगर बनाना है दामोदर भी बोलो, बट विद द रिस्पेक्ट इफ वी स्पीक इट कैन बी, तो कितना सेकंड लगेगा माला के साथ, ओम दामोद्राय नमः ओम दामोद्राय नमः ओम दामोद्र, हाउ लॉन्ग इट टेक्स। मैं तो बोलती हूँ कितना, इससे भी ज़्यादा कर लो अगर कर सकते हो, इट बिकम्स ए कवच जी। इतनी अभी आप बैठे हो, कोई कष्ट आपको आ रहा है, मुश्किल आ रहा है, नेगेटिविटी आ रही है, आप कोई भी मंत्रा चैंट करो, जा कुछ पढ़ो, आप देखो आपका वो नेगेटिविटी दूर चली जाएगी जी, एक सेकंड में ये हमारे देवता एकदम से ऊपर आ जाते हैं, हम याद तो करें। लोगों को ना डर बहुत लगता है, डर किस चीज़ का लगता है, डर इस चीज़ का लगता है कि मैं फेल हो जाऊँगा, या दूसरे मेरे पर नज़र रख रहे हैं, वो मेरे से जल रहा है, वो मेरे से आगे बढ़ गया है, इन चीज़ों का लोगों को ना बहुत डर रहता है। तो क्या इसके लिए भी हमारे पास कुछ है कि हम ग्रो तो करें लेकिन लोग हमसे जले ना, या लोगों की जो बुरी नज़र होती है ना, बुरी नज़र से हम बच सकें? एक तो डर के लिए 16वां अध्याय है गीता का जी, अभ्यम, पहले श्लोक में है अभ्यम। मेरे पास 15-15 साल की लड़कियां भी आई हैं, उन्होंने वो डरती थी पहले, इस मंत्र को करके उन्होंने मुझे फीडबैक दिया कि हमें निडर हो गए। देर इज़ ए अनदर मुद्रा है निर्भय होने की, बोलते इस मुद्रा में अगर आप शमशान में भी चले जाओ आपको कोई कष्ट नहीं आएगा। ये मुद्रा आप थोड़ा बता सकते हैं? ये मुद्रा निर्भय होने की मुद्रा भी है, मैनी अदर थिंग्स ऑल्सो बट दिस इज निर्भय ऑल्सो। एक तो हम ऐसे बैठते हैं, ये हम ऐसे बैठते हैं जी। और दूसरा अभ्यम श्लोका,
गीता का 16वां अध्याय पढ़ो, 16वें अध्याय का पहले श्लोक का अभ्यम अभ्यम, कहीं तुम जा रहे हो डर लग रहा है, अभ्यम अभ्यम अभ्यम, निर्भय बन जाते हो तो फिर बाकी चीज़ें हैं। अगर डर लग रहा है नमक के पानी से नहाओ तो शायद फ़र्क पड़ जाता है इमीडिएटली। गर्मियों के दिन है, सर्दियों में चलो मुश्किल पड़ता है, लेकिन इमीडिएटली पाओ ही नमक के पानी से दो, थोड़ी देर में आपकी नेगेटिविटी चली जाएगी जी। और इसी में ही अगर हम बात करें, मैंने कहीं सुना है दिव्य स्नान कुछ होता है। हाँ, वो तो बहुत ही बढ़िया है जी। बहुत किस्मत वाले होते हैं अगर पता चल जाता है। ऐसे तो लोग जल्दी से उठे, आजकल की जो रूटीन है लोगों की, बच्चों की, बेड से उठे, बाथरूम गए, नहाया और काफ़ी कप भी रास्ते में पकड़ते पकड़ते पी रहे होते हैं। जैसे आजकल समय की, उस समय लगता ही नहीं है, समय की वैल्यूज़ नहीं है, उठ नहीं पाते हैं। तो नहाते समय अगर शॉवर है तो भी ठीक है, अगर नहीं बाल्टी वगैरह रखो तो बहुत अच्छा, छोटा मग होता है उसमें आप, मदर्स को करना चाहिए रोल बच्चों के लिए, बाथरूम में ही आप नमक हल्दी ये चीज़ें रख दो नहाते समय, सिर्फ अगर मग में शॉवर से नहाना है तो उसमें नहा के आई टू डू इस फिंगर से, ये जल तत्व की फिंगर है और इसमें चंद्रमा का अफेक्ट भी है, इसमें ओम सो सो माय नमः, अगर ऐसे ऐसे करके बच्चे करने से पहले नहा लें, नहीं मंत्र करें खाली उसे भी नहा लें, अगर बड़ा मुश्किल लगता है करो तो एक्सीलेंट योर एनर्जी विल फ्लो। तो ये नहाने के मालूम, नहाने से पहले हमें जस्ट ऐसे उंगली से ओम सो सो माय नमः, इसे अनदर लिखना है, यहाँ पर लिखना है। हाँ, नहीं, हाँ, पानी से ही नहीं भी करो तो ओम ही ओम कर दो, फिर हर हर गंगे। इसे क्या क्या फायदा होता है इसे? इसे ऊर्जामय बनेंगे ना मंत्रों से हम। कई जगह मैंने सुना था कि खाते समय बोलो नहीं, नहाते समय बोलो, खाते समय नहीं बोलो, नहाते समय बोलो, मीन्स वो जब हम हमारा बाथरूम क्या है, मोस्ट नेगेटिव पोर्शन है वो, इसको अच्छा। कितना हमने पॉजिटिव बना के रखना है, इसलिए वहाँ जब नहाते हो हर हर गंगे हर हर महादेव, ये तो नॉर्मल करते हैं, अगर नहीं पता तो उन बेचारों को पता लग जाए। फिर उसके बाद और कोई अगर मंत्राज आपको आते हैं वो रिपीट करो, जैसे माँ मृत्युंजय मंत्र है, ओम त्र्यंबकम् जिजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धन मूर्वारिक वंदना मित्यो मुक्षी मा मर्तात, ये कर लो, सो मेनी थिंग्स आर देयर। तो इसके साथ उनका जो शरीर है वो दिव्य स्नान बन गया। इसके साथ और पूरे हफ्ता के चीज़ें हैं, मंडे को दूध डाल के नहाओ तो एक्सीलेंट, आयुष्मान बनते हैं और पूरा शरीर और प्रफुल्लित हो जाता है ऊर्जा से। दूध अगर रोज ही करते हो, दूध हल्दी भी डाल सकते हो। तो ऐसे करके इत्र है फ्राइडे के लिए, दही से बोलते हैं नहाने के लिए तुम्हें बंगले कारें भी मिल जाएंगी, ऐसे ऐसे बताते हैं। शुक्रवार का, गुरुवार का भी है, वो हल्दी का बताया ही है। तो ये पूरा उसका बना ही हुआ है हफ्ते भर का, कि इससे हम स्नान करके दिव्य स्नान करा, फिर हमने जब अपना पोंछ दिया, हल्दी उधर ही पड़ा है आपके वॉश बेसिन के पास ही बाथरूम में, उसका आप एक टीका इधर लगाओ नहाते समय, ऑफिस जा रहे हो लोग देख रहे हैं, नहीं करो उस समय लगा लो, अभी आप घर में हो, इधर इधर और हार्ट में और नाभि में। इसका मीनिंग क्या हुआ, ये मेरा सिक्स चक्रा है, आज्ञा चक्र, इधर मैंने टीका लगाया, लगाते समय अगर आप ऐसे दो मिनट के लिए फिंगर करो, मेरे जितने भी शत्रु हैं भगवान सारे प्यार में बदल जाएं, दोस्ती में बदल जाएं, सब मुझे प्यार करें। दिस एक सेकंड के काम है, ये बाथरूम में हो रहे हैं जी। उसके बाद आपने कंठ में लगाया, कंठ में क्या हुआ, मेरी वाणी मधुर निकलेगी। ये फिफ्थ चक्रा है, हम इसका बीज मंत्र है और इससे मेरी टीका लगाने से, तिलक लगाने से मेरी वो बन गई, वाणी मधुर बन गई। मेन है नाभि, नाभि इज ए प्रोटेक्शन, ये सारा तिलक जो है नाभि में, हल्दी का तिलक, मेरे को केसर भी डाल सकते हो, चंदन भी डाल सकते हो, तीनों की बॉटल, मदर को बता दो, लेडीज करें ये घर के काम, बच्चों के लिए आसान हो जाए, बॉटल पड़ी है और उसको करके ये बाथरूम में काम खत्म, देन यू आर गोइंग ऑफिस और काम के लिए, देखो तो सही, यू विल बी फुल ऑफ एनर्जी। तो ये फायदा हो जाएगा आपको दिव्य स्नान से, दिव्यता आएगी आप में, डिविनिटी। इसमें आपने थोड़ी सी बात की तिलक के बारे में, हाँ जी, तो तिलक में एक दिव्य तिलक भी होता है, क्या वो अलग है या इसी से रिलेटेड? नहीं, वो तो बहुत कुछ है, कहीं तो दो केले के भी वो मैश करके डालते हैं, आंवला का जूस डालते हैं, बहुत चीजें हैं। ये नहीं भी हो तो गोरोचर ने कहता है, जो दिव्य चीजें हैं हमारी, ये इसके अगर दर्शन भी कर लो तो लोग बड़ा अच्छा समझते हैं, छोटे छोटे पैकेट में आते हैं गोरोचरण, बीच में केसर, बीच में हल्दी, चंदन, ये आपका एक्सीलेंट तिलक बन गया। अदरवाइज देयर आर मेनी थिंग्स, क्या नहीं परमात्मा ने हमको दिया है, बट दे आर इजी वंस।
इसके अलावा अगर मैं दिव्य तिलक की बात करूं, मैं आपसे ना थोड़ा सा तिलक के बारे में ज़्यादा बात करना चाहता हूं, क्योंकि हमने देखा है ना, एक तो सबके तिलक अलग अलग होते हैं, जैसे आपका तिलक थोड़ा अलग है, जो नॉर्मली हम तिलक लगाते हैं वो अलग, तो वो एक डॉट भी होता है, वो लंबा भी होता है, वो जैसे हम कई लोग इस्कॉन के जो कोई विष्णु के लोग हैं है, कोई उसके, मैं तो बींगे ले मुझे इस चीज़ों का मैंने इतना परवाह नहीं करी, मैंने तो वो भी बना, वो मिलते भी हैं लगाने के लिए, बट इट मेक्स मी इजी, लगाया और हो गया। मीनिंग है ये आज्ञा चक्र है, ये सिक्स चक्र है जहाँ सिद्धियाँ ही सिद्धियाँ हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि जहाँ पे ही रुक जाते हैं, वो क्राउन चक्र तक जाते ही नहीं है, जो सिद्धियों में फंस गया फिर वो मुक्ति मोक्ष से गया। एक इधर से थोड़ा सा रास्ता है कोई आधा 10 मिनट का, जहाँ पे हमारा अंदर की तरफ जाने का है, मेडिटेशन करने में बहुत सहायता देता है। इफ़ यू थिंक एज ए कि हम वी आर मॉडर्न, वी डोंट अप्लाई, डोंट डू, बट इसके अच्छे अफेक्ट हैं, बैड अफेक्ट नहीं है इसके, आपको साइड इफेक्ट अच्छे ही मिलेंगे। जी, जैसे अभी आपने कहा कि वी आर मॉडर्न, वी कांट डू दिस, तो लोग सच में ऐसा सोचते हैं, तो क्या इसका कोई इसके कोई अल्टरनेटिव है? उस तक नहीं है, यू आर नॉट वर्किंग इन ए इंटरनेशनल कंपनीज, देयर नो बॉडी विल डू, दे आर हार्ड वर्कर्स, दे डोंट नीड एनी धागा एनीथिंग, एंड दे आर मीटिंग ऑल द फॉरनर्स देयर, एंड दे विल मेक ए लॉफ ऑफ यू कि तुम क्या कर रहे हो, तुम तो इन चीज़ों में फंसे हो। एज लॉन्ग यू आर इन इंडिया, एज लॉन्ग यू आर देयर, कोई छुप छुप के कर रहा है, कोई सामने कर रहा है, ये फ़र्क है। हर कोई कर रहा है अपने बचाने के लिए, एक भिखारी मंदिर के बाहर मांग रहा है, एक हम भी भिखारी मंदिर के अंदर मांग रहे हैं, बताओ, है ना? बिल्कुल। एक मजदूर टिफिन लेके जा रहा है बेचारा, एक बड़ा सोफिस्टिकेट, वो सोफिस्टिकेट टिफिन लेके भी जा रहा है, दोनों क्या फर्क है बताओ, थोड़ी सी सोफिस्टिकेशन है। जी, तो मॉडर्न वे से ना करके मैं आप सबको रिक्वेस्ट करती हूँ, नाभि केंद्र हमारा जो कमल से ब्रह्मा का भी पोर्शन है, जो जुड़ा होता है, माँ बच्चा माँ के पेट से भी इधर से जुड़ा होता है, उस पोर्शन को स्ट्रांग बना लो। जैसे ही आप कोई एक्सीडेंट होने वाला होता है, ये आप देखो तुम्हारा ये पोर्शन सिकुड़ जाता है, मैनी लोग गेट्स फेंट हो जाते हैं, कुछ होते, आजकल कपालभाति है, कपाल बाती जितनी तुम कर सो, लोग 800-800 तक भी करते हैं, ये हमारा सारा केंद्र खुल जाता है। सो सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि नाभि केंद्र को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रांग बनाइए, आपके इमोशनल, फिजिकल, मेंटली तीनों चीज़ें आपकी स्ट्रांग बन जाएंगी। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट केंद्र, एक स्पाइनल कार्ड है हमारी, एक नाभि केंद्र है, बेली बटन जिसको बोलते हैं। जी, तो यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि हम स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ ना हम अपनी हेल्थ का भी ध्यान रख रहे हैं, ये होने वाला है। एक और चीज़ जो मैं नोटिस कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने जब से पॉडकास्ट स्टार्ट किए हैं, तो मैंने देखे हैं अपनी ऑडियंस को देखा है, उनके मैं कमेंट्स देखता हूँ, तो मुझे ये पता लगा है कि लोग ना स्पिरिचुअलिटी से कब कनेक्ट होते हैं, जब या तो उन्हें किसी चीज़ का डर हो, लोग पॉजिटिव एनर्जी की तरफ कब जाएंगे, जब उन्हें नेगेटिव एनर्जी का डर हो या उसके बारे में पता हो। तो मैं थोड़ा सा आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ठीक, हम पॉजिटिव एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं, हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है कि चीज़ें पॉजिटिव रहें, लेकिन हमें कैसे पता लगेगा कि हमारे पास कोई नेगेटिव चीज़ भी है? सबको एक कबीर का दोहा याद करना चाहिए, जो सुख में याद करे दुख आए ही नहीं। जी, तो अगर सोचते दुख आया और अभी मैं जा रही हूँ, किसने मेरे साथ रिलेशन नहीं रखा है, और दुख के टाइम मैं क्या बोलूँगी, देखा उस समय उसने परवाह नहीं करी, अभी आई है, तो क्या परमात्मा नहीं सोचता है? वो तो भगवान है, बोलेगा शुक्र है आई तो है, बट हम कोशिश करें कि इसके बिना हमारा गुजारा नहीं है। यू गो टू द किचन, देर इज नो लाइटर, गैस है, सब कुछ है, उसके बिना कैसे चलोगे? यू हैव 10 AC घर में, चलो जनरेटर भी आजकल लगा देते हैं, लेकिन मेन पावर अगर हमारे पास नहीं है तो मैं कैसे जीऊँगी? तो परमात्मा हमारी मेन पावर है, परमात्मा से जुड़ना बचपन से हमें, ये अभी तो स्कूलों में भी करा ही रहे हैं, काफ़ी बदलाव आ गया है, सतयुग शुरू हो ही चुका है समझो, इसके बिना नहीं तो गुजारा नहीं होता, तो ये सब मंत्र उसमें भी चल रहे हैं, स्कूलों में भी हो रहा है, परमात्मा का नाम लिया जाता है, विष्णु सहस्त्र नाम मैंने देखा है काफ़ी स्कूलों में, वो उनके नाम से शुरू करते हैं ये लोग जी। फिर इसी चीज़ से अगर जुड़े हैं तो बताओ, बचपन से ही ऐसा हो गया तो दुख कहाँ से आएंगे, ऊपर से माँ बाप के कर्म अच्छे हों तो और भी मज़ा आ गया, तो दुख में ना करके सुखों में ही हम याद करें तो दुख नहीं आएंगे जी। और अगर किसी को दुख हो चुका है, हाँ, कोई मतलब बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, चीज़ें उसकी सही नहीं चल रही हैं, उनको ऐसा फील हो रहा है या फिर उनको ऐसा बताया गया कि नहीं तुम्हारे आसपास देखो कोई ना कोई नेगेटिव चीज़ है, क्या उनके लिए हमारी जो गीता है उनमें कुछ बताया गया है? क्योंकि मैं नहीं मानता कि हमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में फंस जाना चाहिए उस टाइम पर,
क्या इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? गीता में मैं बोलती हूँ ना, पहला पूरे अध्याय के श्लोक नहीं भी पढ़ो, नहीं टाइम है हमारे पास, रूटीन बना लो मैंने नहाने के बाद, चलो नहाने के बाद भी नहीं, हमारे पास जब भी ऑफिस में भी अगर बैठे हो, यू हैव ए बुक, यू जस्ट रीड 5 श्लोकस। बच्चे जो हैं सुबह में नहीं कर सकते हैं, जा रहे हैं दोपहर को, शाम को, कभी भी करके, माँ भी अगर साथ में बैठे तो वो 5 श्लोका भी कर लो, तो धीरे धीरे तुम्हारा क्या होगा, कवच बन जाएंगे। मैंने गीता के पीछे, आप देखना, मैंने गोरखपुर से उधर से भी काफ़ी लाई थी, उधर देखा है पीछे छोटे छोटे दो दो मिनट के उन्होंने गीता के श्लोक दिए हैं 5 जो मेन इम्पॉर्टेंट है, वही पढ़ लो। अगर पढ़ सकते हो पूरे श्लोकस पढ़ो, डोंट रीड, डोंट गो फॉर द मीनिंग ओनली। 18 दिन आपने एक अध्याय आज पढ़ा, कल पढ़ा, 18 दिन में 18 अध्याय कंप्लीट हो गए, देन व्हाट आई डू, कोई 100 रुपी 50 रुपी का कोई प्रसाद लेके हनुमान के या गणपति के या किसी गरीब को कुछ खिला दो, देन अगेन रूटीन नहीं तोड़ो, फिर दोबारा से आप शुरू करो। आप अपने को एक हफ्ते के अंदर, मैं गारंटी देती हूँ, विद इन 11 days 21 days यू सी यू विल बी नॉट द सेम पर्सन, आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, आपका मन अध्यात्म की तरफ लगना शुरू हो गया है जी। ये गीता का श्लोकास का खाली फर्क है, तो जब अप्लाई करोगे अपनी जिंदगी में तो उसमें क्या होगा, दूसरा नहीं देखो, तुम वो फ्रेंड आया नहीं और आपने पहले से ही आपके दिमाग में चलना शुरू हो गया। हम कहाँ से देख रहे हैं दूसरे को, पीछे से जी। कि ये कल ऐसा था, क्या पता आज वो इंसान बदल गया है। तो गीता हमें क्या देखती है, अंडरस्टैंडिंग, प्यार, राधा कृष्ण का क्या हुआ, हमें प्यार सिखाया है। तो गीता में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, जैसे गुरबानी में ऐसी चीज़ कोई नहीं, कुरान में नहीं, बाइबल में नहीं, तो क्या हमारी गीता में नहीं है ये सब? तो वही जैसे उनके उसमें है, ऐसे हमारी गीता हमारी ज़िंदगी के लिए हमारा सार है पूरा जी। अभी एक वो था जिसका तुम क्या लेके आए थे, कल किसका था, आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, इट्स ट्रू। आज मैं जा रही हूँ सब कुछ छोड़ के, कल कोई और उसको लगा रहा है, तो इसको भी अगर रख ले तो फिर कोई अटैच भी नहीं रहेगा इतना कि एक दिन छोड़ के जाना तो है ही है हमने जी। अभी ना कुछ टाइम पहले मैंने सोशल मीडिया पे एक चीज़ सुनी थी मैंने, तो उसमें बताया गया था हमारे वृंदावन के प्रेमानंद जी महाराज है, हाँ जी, उन्होंने बताया था कि यही बात कि लोग यहाँ वहाँ भागते हैं कि मेरे साथ ये गलत हो रहा है वो गलत हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि आप बेवकूफ़ हो, आप क्यों भाग रहे हो, आप डेली भगवत डेली जो गीता है भगवत गीता है उनमें से एक श्लोक लो, डेली पढ़ो, डेली पूजा पाठ करो, डेली हरि का नाम लो, आपकी सारी प्रॉब्लम देखना कुछ दिनों में अपने आप दूर हो जाएगी। 2 मिनट लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, जो मैंने बाथरूम भी आपको चीज़ बताई 2 मिनट की है हर चीज़ में, और हम 2 मिनट को भी ना लगा के फिर हमें सफलता कैसे मिलेगी, किससे हमारा कवच बनेगा, सुरक्षा कवच कैसे बनेगा। एक बात और आती है कि हमारे साथ चाहे अच्छा हो रहा है चाहे बुरा हो रहा है, दोनों ही ना हमारे जो कर्म होते हैं, कर्मों का जो चक्र होता है कर्मा की वजह से होता है वो। और मैं भी ये मानता हूँ अगर हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है ना, या तो हमने इस लाइफ में कुछ बुरा किया है, कुछ गलत किया है, या फिर हमारी पिछली जो लाइफ रही है, क्योंकि हमारा जो सनातन धर्म होता है वो पुनर्जन्म में विश्वास रखता है, तो जो कर्मा का जो चक्र है, कर्म जो है जो हम करते हैं अच्छे बुरे जो भी है, तो उनके बारे में आप क्या मानते हैं? लॉ ऑफ कर्मा जो बेसिक है, अगर मैं इस धरती पे आई हूँ जी, अगर प्रीवियस जन्म में भी मैं किसी गुरु के साथ जुड़ी हुई थी तो मेरे को पार क्यों नहीं हुई, मैं मोक्ष क्यों नहीं मिला मुझे, मेरा कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं किसी से कोई लेना देना रह गया, फिर उसके कारण मैं आज इधर आई धरती पे। अभी उस हिसाब को पता कैसे चलेगा अगर कोई सतपुरुष हमें समझाता नहीं है कर्मों के बारे में जी। मोस्टली पीपल जो जिनके पास कोई गुरु नहीं है, सतपुरुष नहीं है, गीता नहीं है, वो लोग और कर्मों की गठरी बना के वापिस जाते हैं। हम जो लेके आए हैं, मेरे गुरु ने वचन दिया तुम कर्म काटने आई हो, कर्म बनाने नहीं आई हो। अभी बनना कैसे नहीं है, सपोज एक बार मैं कहीं कार लेके जा रही थी, किसी की कार मेरे साथ टच हुई, उसमें क्या हुआ, मैंने कोई झगड़ा नहीं किया, उसी का कसूर होगा, लेकिन मैंने क्या करा, उधर से निकल गई। तो मैंने अगर ज्ञान था मेरे पास तो मैंने कर्म और बनाती, उस इंसान से झगड़ा करती तो उसके पैसे लेती कि मेरा इतना खर्चा होना है। अगर तुम जाग गए हो, तुमने अपने कर्म की चेन आगे से कट कर दी जी। घर में कर्म है सारे, कर्म के कारण तुम्हें जो पार्टनर, लाइफ पार्टनर मिलता है, पति पत्नी जो है, हस्बैंड वाइफ, ये कर्म के कारण है। पेरेंट्स के घर आए हो, इन लॉज है, पड़ोसी है, सब जगह तुम्हारा, इवन ऑफिस में भी सब जगह कार्मिक अकाउंट है जी। अभी उसमें चलना कैसे है, तुम्हें पॉजिटिव फीडबैक रखनी है, पॉजिटिव वाइब्रेशन देनी है उनको,
ऑफिस में भी अगर आप जा रहे हो अपने कुलीग सामने है, अगर आप सोचो ये तो ऐसा ऐसा है, डोंट डू लाइक दिस। आज से जो भी सुन रहे हो, डोंट डू हेलो हाउ आर यू। अगर उसके बारे में कुछ है भी है आज या उसने सोचा है, देखना उसका चेहरा कैसा बदल जाएगा। वो जो नेगेटिव आपके लिए सोच रहा था, आपने उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया। यू विश, वो नहीं भी विश कर रहे हैं हेलो हाउ आर यू, कोई क्या पता रात को क्या प्रॉब्लम हुई है, कोई नहीं ठीक है। आप अपनी ईगो लेके नहीं चलो। गीता हमें क्या बताती है? ईगोलेस होना। अहंकार जिसमें आ गया उसका तो सब खत्म, जिसका अहंकार चला गया उसका सब बढ़िया हो जाता है। तो मैं जाके विश कर रही हूँ हेलो हाउ आर यू, वो खुश हो गया। दो मिनट का आपने अपना वो पीछे रख के, अहंकार पीछे रख के दूसरे का आपने रिलेशन अच्छा बना दिया अपना। तो लॉ ऑफ कर्मा कहाँ नहीं जाता है। ये जो आजकल इन लॉज के बीच में लोग बनाते हैं, अपने रिलेशन खराब करते हैं, अगर समझ जाए। मैं तो चाहती थी, जब मैंने ज्ञान सुना ना, मैं यंग गर्ल्स के लिए चाहती थी ये ससुराल में जाएंगी, बहुत अच्छी माँ बनेंगी, बीवी बनेंगी, बहू बनेंगी, मेरा गोल ये था। लेकिन ज़्यादा बढ़ते बढ़ते अभी बड़े बड़े लोग ज़्यादा आ गए, तो रियलाइज़ करा कि ये लोग तो मुँह से निकलते नहीं हैं, तो मेरा वेस्ट जा रहा है एनर्जी। फिर अभी यूथ का देखा तो आई सेड नो, आई विल पुट माई सेल्फ इन फॉर द यूथ। और कुछ नहीं तो घर बैठे मैं अच्छे संकल्प छोड़ सकती हूँ सृष्टि में, अच्छी एनर्जी। ये सबसे बड़ा दान अगर है ना आपका, पॉजिटिव एनर्जी दूसरे को भेजना, अच्छे संकल्प सृष्टि में भेजना। वही सुबह उठते साथ आप उठ रहे हो, रात को तुम्हारा जॉइंट फैमिली में ज़्यादा प्रॉब्लम है, उधर क्या हो रहा है, तुम भी उधर से जा रहे हो रात की बात से, वो भी तुम्हें रात की बात से, नो हेलो नो गुड मॉर्निंग, और गुस्से ऐसे 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 करके जो भी करते हैं। तो अगर ज्ञान मिल गया है, जाग गए हो, हरिओम, बड़े हैं तो उनको पाँव छू लो घर में, दूसरे हैं तो गुड मॉर्निंग, राम राम, जो भी आप बोलते हो। आप देखो सुबह में संकल्प कौन से डाले आपने, पॉजिटिव, तो आपको भी वही मिलेगा। जो बोवोगे, लाभ कर्मा है, जो बोवोगे वही मिलेगा। पैसा दोगे पैसा आएगा, दुख दोगे दूसरे को तुम्हारे को दुख आएगा, निंदा दूसरे की करोगे निंदा तुम्हारी आएगी। मेरे गुरु ने बोला है निंदा करने से उसके सारे पाप तेरे ऊपर आ रहे हैं। तो डराते हैं ना शास्त्र हमें जी, तो हम डरे नहीं। अगर मैं किसी की प्रेज करी, ओ ही सो नाइस, देखो मेरा भी पॉजिटिव है, उसका भले वो नहीं है अच्छा, मैं उसको पॉजिटिव भेज के उसको ठीक कर रही हूँ। और इट्स नॉट ओनली माई चाइल्ड, मैं औरों को भी ऐसे करती हूँ, प्रायों को भी ऐसे करती हूँ। मैंने रोज डील करना है, मैं कैसे मिलूंगी इन लोगों से अगर मैं भी कुछ अपने पास रख लूँ। आई पुट गुड एनर्जी, अच्छी एनर्जी, अच्छे थॉट उनके लिए भेजती हूँ मैं, और वो ठीक हो जाते हैं। थोड़ा टाइम लगता है, ठीक हो जाते हैं जी। क्या ये जो हमारे कर्म होते हैं ये सच में पुनर्जन्म से भी कनेक्टेड? हमारे हिंदुइज्म में तो मानते हैं, बाकी धर्म में नहीं मानते हैं कि कोई दोबारा जन्म नहीं होता है। इट इज़ ट्रू, मैंने अपना देखा। मैं सात भाई बहनों में मैं इस रास्ते कैसे आई गुरुओं वाला, बाकी क्यों नहीं आए, इसका मतलब मेरा कर्म कुछ था, मैं पहले भी ऐसे कुछ होंगी तो वो वापिस आके उधर जुड़ गई, बाकी लोग क्यों नहीं है। ये तो जब मैंने अपनी लाइफ को देखा तब मैंने रियलाइज किया कि कर्म है ही है, चाहे अच्छे चाहे बुरे। वो तो बोलते हैं तो दो तोते हैं, एक एक संत के पास एक तोता, वो संत के पास रहा तो वो राम 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 बोलने लगा, किसी बदमाश के पास है तो वो गोलियां मारने वाली आवाजों से बोलता था। तो इतना फर्क पड़ता है कहाँ तुम्हारी ब्रिंगिंग हुई है, किस खानदान में हो, कैसे हो जी। ये चीज़ तो मैं भी मानता हूँ, क्योंकि अगर हम सोचें तो दो तरीके हैं, मतलब जीवन में अगर हमें सक्सेसफुल बनना है तो दो तरीके हैं। एक तो ये है कि हम किसी अच्छी समृद्ध जो परिवार होता है उसमें हम पैदा हो जाएं, वो हो सकता है कि अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो हम किसी समृद्ध फैमिली में पैदा हो जाएंगे, हमारी लाइफ अपने आप अच्छी हो गई। दूसरा तरीका ये कि हम इसी लाइफ में, हम जहाँ भी पैदा हुए, जिसमें भी पैदा हुए, उसमें हम अपने अच्छे कर्म करते रहें, हम मेहनत करते रहें, हम चीज़ें सब कुछ सही करते रहें। जैसे एक काफ़ी अच्छा एग्जांपल है, मुकेश अंबानी जी, उनकी फैमिली में जो भी अब आएंगे, जो भी नई जनरेशन आएंगी, तो क्यों आई है वो ही क्यों आई, कुछ ना कुछ अच्छा कर्म किया होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ना। लेकिन वही एक कोई ऐसी फैमिली में पैदा हो रहा है जहाँ पे शायद दो वक्त का खाने को मिलेगा नहीं मिलेगा उसकी गारंटी नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो कर्म होंगे उसके पुनर्जन्म में। तो मैं ये मानता हूँ, क्या मैं सही मान रहा हूँ? इसमें एक छोटा सा दृष्टांत देती हूँ। एक राजा ने के पास एक क्वेश्चन था, है नहीं 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 नहीं, तो उस मंत्री से पूछा जा रहा था। मंत्री को कंफ्यूज था, घर आया, उनकी बेटी ने बोला पापा जी पिताजी मैं ये जवाब दूंगी, मुझे क्या चाहिए, एक सेठ चाहिए, एक घोड़ा गाड़ी चाहिए, एक सेठ चाहिए
और एक फकीर चाहिए जी। तीसरा कौन गया? एक गरीब नहीं के लिए उसने बोला। उसने क्या करा? है सेठ जो है पिछला भी करके आया है, आगे भी कर रहा है और आगे के लिए भी है। ये पहला आंसर उसको मिल गया जी। दूसरा फकीर का है नहीं, करके आया था, अभी है, आगे के लिए उसके पास कुछ नहीं है अपना आगे करने के लिए। तीसरा है नहीं, जो आप बोल रहे हो कोई ऐसे पैदा होता है, कोई ऐसे होता है, पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है, आगे के लिए भी नहीं है। फिर उसको क्या करना चाहिए? चाहे तुम झोंपड़े में भी बैठे हो, जो तुम खाना खा रहे हो दो दाने, तुम उधर से भी थोड़ा सा चींटी वगैरह को डालना शुरुआत कर दे, शायद करते करते वो इंसान भी ठीक हो जाए। तुमने हाथों से लिटिल बिट करना तो शुरू कर। हर कोई प्रारब्ध अपनी बना सकता है, ये मैं सबको आपको बोलती हूँ। आप रिक्वेस्ट करती हूँ कि आज का दिन अगर सुनते हो, आज से ही अपना अच्छे कर्म, अगर इधर रहो नो, मोक्ष मुक्ति की बातें नहीं करो, गीता की बातें भी नहीं करो, सिर्फ ये करो कि आप अपने इधर से संभाल लो कि मैंने आज के दिन क्या बीज डालने हैं जो कल मुझे मिलेंगे जी। जो आज करा है वो कल मिलेगा, चाहे किसी की बातें करी है, निंदा करी है, या तुमने चोरी वगैरह करी है, साइड इफेक्ट सबके होंगे। अच्छे करोगे तो उसके साइड इफेक्ट अच्छे मिलेंगे जी। एक लॉ ऑफ कर्मा के बाद ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आती है, लॉ ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी इसमें एग्जैक्टली क्या कहा गया है? लॉ ऑफ एनर्जी की अगर हम बात करें, हमारी जो वाइब्स है, हमारा ओरा या फिर हमारी एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, ये है या कुछ और है? ट्रांसफ़र होती है। और बहुत डिफ़िकल्ट देखा है, जो चीज़ मैं डिफ़िकल्ट काम ज़्यादा करती हूँ, मुझे चैलेंजेस भी बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे ये छोटी मोटी लाइफ जीना मज़ा नहीं आता, जहाँ आराम से हो गया उसमें हम ग्रो नहीं होते। तो लॉ ऑफ एनर्जी का क्या है? जिस इंसान ने इतना बुरा तुम्हें बोला हो, इतना ज़्यादा पता भी तुम्हें चला हो, उसके बावजूद आप उसको अपने संकल्पों से ठीक कर रहे हो, परमात्मा पहले तुम्हारे को ही फुल ऑफ प्रफुल्लता में रखेगा और तुम्हें आशीर्वाद देगा कि कौन इंसान धरती पे है जो तुम्हें आज के ज़माने में ज़्यादा, जहाँ पेशेंस नहीं है, वो उसको आप अपनी एनर्जी अच्छी भेजो कि वो इंसान ठीक हो गया है, सब हो गया है, मेरी सारी गलतियों को भूल गया है। उधर हो भी जाएगा, ये ध्वनि ऊपर गई यूनिवर्स में। फिर सबकॉन्शियस माइंड की बात करूँगी मैं बाद में, आपको इस चीज़ की बात कर रही हूँ कि जो अंदर घटना मेरे देख रहा है, जो अंदर बैठा है, ये मैं कर क्या रही, उसका रिजल्ट पहले मुझे मिलता है, उस इंसान को बाद में। तो मेरी एनर्जी पॉजिटिव गई, पॉजिटिव में मेरी एनर्जी भी तो पॉजिटिव हुई ना। अगर मैं ही नेगेटिव तो मैं दूसरे को क्या दूंगी? तो पहले खेल अपना करा, तभी तुम गुरु माँ बने ना, ऐसे थोड़ी बन जाते। जी बहुत सही कहा आपने। दूसरा क्या है ना कि इसी में एक चीज़ इंक्लूड करना चाहूँगा कि होता क्या है ना, जैसे हम किसी भी नए पर्सन से मिल रहे हैं, और हमें कभी कभी कुछ कुछ लोगों से मिलके लगता है कि यार इनके साथ मैं ओवर टाइम बिताना चाहता हूँ। उनसे हम भले ही बैठे हैं, हम बातचीत नहीं कर रहे, लेकिन उनके साथ हमें बैठ के एक सुकून मिल रहा है, एक पीस मिल रहा है। दूसरा एक और इंसान है, उसने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, सब कुछ बढ़िया है, वो भी बैठा है साइड में, हम बस साइड में जाके बैठे हैं और हम सोचते हैं कि यार ये क्यों है, या फिर मैं साथ में क्यों बैठा हूँ। एक नेगेटिव फीलिंग आती है या फिर एक अजीब सा फील आता है, तो ये हमारा आई थिंक ओरा होता है, हर किसी पर्सन का एक ओरा होता है। इसमें आपने राम लखन मूवी देखी हुई है? जी देखी है। राखी वाली? जी जी। अभी उन लोगों को नहीं पता है वो जो पैदा हुए हैं कि ये हमारे ताया हैं, कौन है, दुश्मन है, क्या है, ना सबने पता देखा ना क्यों हो रहा था। उनको देखते साथ उनका खून उबलता है। इट मीन्स प्रीवियस सोल कनेक्शन कौन कौन से हैं हमारे, कोई आपके साथ बैठे हैं, उनके साथ आपका कोई ऐसा रहा होगा, उधर दिल नहीं कर रहा देखने को, और दूसरे के साथ दिल कर रहा है, एक साथ बैठे ही रहें, बातें करें, उसके साथ हमारा अच्छा साउंड कनेक्शन है, अच्छी एनर्जी पास करी हुई है, इधर ऐसा रिलेशन है तो उधर ऐसा हो जाता है। तो ये ऑन एंड ऑन चलता ही जा रहा है ना। तभी गीता हमें इन सब चीज़ों में करती है कि नेगेटिव नहीं सोचो, दूसरा कर भी रहा है तो तुम्हारा कर्म कोई था, तुमने शब्द दिए थे। बुद्ध का ज्ञान भी मैंने बोला ना, हमें क्या दिया? बुद्ध के ऊपर थूका गया था, उन्होंने रिटर्न में नहीं दिया। इट मीन्स वो जाग्या पुरुष था, उसने बोला आज फिर मैं अगर कर सकता हूँ तो मैं तो फिर बुद्धू रहा, बुद्ध नहीं बना, और उसने फिर चेन बना दी। मैं सबको बोलती हूँ चेन, अब मैं पर्सनल टाइम भी देती हूँ, प्लीज़ जो तुम्हारे संस्कार आज पिछले हैं उनको दो डालो अभी। यही बच्चा आगे जाके जब बच्चा भी होगा वही संस्कार तुम्हारे होने हैं, इन पे जोर दो। रोटी कपड़ा मकान हमें जरूरी नहीं है, मैं क्या इमोशनली फिजिकली मेंटली दुनिया से महारथी जाती हूँ जहाँ आगे भगवान मेरा वेलकम के लिए खड़ा हो जाए। इतने कमजोर होके और हम खाली रोटी कपड़ा मकान खाने के लिए जीने के लिए आए हैं इधर, ये है मेन गोल हमारा।
इधर से मैं क्या मजबूत हूँ, वो है गोल हमारा। दूसरों को माफ करते जाओ एंड यू आर स्ट्रॉन्ग, यू आर अबव उनके बन जाओ, उन पे उनके डॉक्टर बन जाओ। मैं घर के फैमिली मेंबर्स के लिए बोलती हूँ, आप ज्ञान सुन रहे हो, आप डॉक्टर बन जाओ। वो सारे पेशेंट्स हैं जी। जिसके पास आज पेशेंस नहीं है वो पेशेंट है, वो बीमार है, उसको तुम ठीक करो। गुस्सा नहीं करो किसी के ऊपर भी, तुम ठीक करो जी। मेरा रोज कितना डीलिंग होता है, मैं 40 सालों से चल रही हूँ। हाँ। कितने लोग सारे मुझे प्यार करते हैं या करते थे, मैंने उन सबको भी हील करा है। एक रेकी मास्टर भी हूँ मैं, सब कुछ हूँ। जो जो मेरे पास विद्या दी गई उस सबको मैंने दूसरों को ठीक करने में लगाई है। और कुछ अपने अकेले बैठे, इनको भी किसी को पता नहीं होगा, मैं ये सब काम करती हूँ। मैंने धरती से जाना है, मेरा परमात्मा मुझे दोबारा, मेरा कोई कर्म नहीं रह जाए जिसके मुझे दोबारा भेजे, और उधर मैं मजे से ऊपर के काम करवाए, मेरे को धरती पे नहीं लाए। मेरा गोल तो ये भी है जी। एक और बात इसमें आती है, जैसे आपने कहा कि हमें संस्कार जो है ना शुरू से ही डालने चाहिए, इम्पोर्टेंट। और लेकिन एक बात और आती है, आजकल ना टाइम थोड़ा सा चेंज हो रहा है। जैसे बचपन में ना लोग जो बच्चे हैं वो बचपन से ही ना मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, इन सब में लग जाते हैं। और फिर पेरेंट भी सोचते हैं, चलो ठीक है, अभी इनकी एज ही क्या है, बच्चे हैं, इनको इन्जॉय करने देते हैं। बट जब वो बड़े हो जाते हैं, 7-8 साल के, 5-6 साल के, तब चीज़ें ना अपने हाथ से स्लिप होना स्टार्ट हो जाती हैं। और तब हम सोचते हैं कि यार ये क्यों कर रहा है, मेरी बात क्यों नहीं मान रहा है, ऐसा 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 है। पर इसके लिए बहुत अच्छे नुस्खे, फिर अगेन आई से लेडी ऑफ द हाउस मदर, जब बच्चा है, बड़ी उम्र में जब चला गया, शादी हो फिर वाइफ संभाले, तब तक तुलसी हमारी कितनी पवित्र मानी गई है, बहुत पवित्र। बोलते 5 पत्ते तुलसी के खाओ, अगर कोई बड़ी एडिक्शन है, मंत्र भी नहीं है, तो काली मिर्च जो होती है पूरे वाली, 2-3 दाना वो और तुलसी पत्ते बच्चे को दो, नहीं है तो जूस बना के, आजकल तो जूस भी आ रहे हैं। अगर वो नहीं मानते हैं, बच्चे नहीं मानेंगे, तुम्हें जांच आनी चाहिए। तुम ओम कर करके खाना दो उनको, उनकी वाइब्रेशन बदलो। गंगा जल घर में है तो गंगा जल दूध में डाल दो, पानी में डाल दो, अपने मटके में डाल दो। ये सब चीज़ें जो आप बता रहे हो मुझे, ये सब जिन लोगों ने करी है ना, उनके घर आज देखो सब मंदिर बने हुए हैं। ओनली लेडी ऑफ द हाउस, आदमी के लिए मैं बात नहीं कर रही हूँ। माँ का बहुत बड़ा रोल है बच्चे को हर एडिक्शन से बचाना। दूर बैठा मत सोचे वो मेरे पास नहीं रहता है, मैं इधर बैठे अमेरिका में उस बच्चे को ठीक कर सकती हूँ। तुम ही सोशल मीडिया पे लगे हो, तुम ही अपना टाइम गवा रहे हो, और विद इन 11 डेज आई कैन गिव यू गारंटी, आई कैन चेंज पर्सन सिटिंग इन अमेरिका। ये पूरी आत्मा जो है, सब कॉन्शियस माइंड हमारा जुड़ा हुआ है, हम सब एक है। मेरी इधर से आवाज़ उधर पहुँच रही है, मेरी इधर की वाइब्रेशन रॉन्ग और राइट वो पहुँच रही है। दिस तुम्हें करना है, फिर वो बच्चा भी देखो कैसा पैदा होगा, वो बच्चा कैसा बनेगा। मेरे पास लाइव एग्जाम्पल हैं। गुरु माँ जी, मैं आपसे ना कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल हो, कोई रियल लाइफ पर्सन आपके पास आया हो, उनके कोई प्रॉब्लम हो, उनका सॉल्यूशन मिला हो, ऐसा कोई एग्जाम्पल हमारी ऑडियंस के लिए है आपके पास? बहुत बढ़िया है। वो लड़की 14-15 साल की होगी, 2 बहनें और माँ, 3 पूरी फैमिली आती, ब्राह्मण फैमिली थी वो। लेकिन इस लड़की के साथ मजदूरों ने किसने रेप करा था, तो ये नहीं बता सकी ना कुछ कर सकी। उस लड़की में जो गुण थे ना, मैं हैरान हो गई। पहले तो उसको मैं पता नहीं कैसे पसंद आई कि मेरी तरह उसने बनना शुरू कर दिया, सेम टीका लगाना, ये पकड़ना और वानियाँ पकड़नी, जो किताबें मेरे पास होती थी। उस लड़की की ये चीज़ें देख के, बांट के खाना, ये सब गुण थे, लेकिन उस कारण वो बता नहीं सकी। उसने मुझे बताया, मैंने उसको हनुमान के जो अंगूठे का सिंदूर होता है ना, ऐसे मुझे पता था जो जो भी, वो लगाना पहले शुरू करा उससे जी। उसके साथ सात्विक वो पहले ही थे, ब्राह्मण फैमिली के थे, सिर्फ फादर और ब्रदर के थोड़े कार्मिक अकाउंट ऐसे थे कि जो इन बच्चों के ऊपर भी पड़, तीनों लेडीज़ बहुत अच्छी थी, वो दोनों थोड़े उल्टे सीधे काम कर रहे थे। तो हनुमान के सिंदूर से करते करते उस लड़की को, और टच प्यार, ऑफकोर्स आप मुझे मामा सब मुझे बोलते, वो तो मेरे पास था ही शुरू से ही, इतना टच प्यार मिला कि उस लड़की ने समझ नहीं आई कि इतना टाइम, 1-3 महीने भी लग सकते थे, जो 3-4 दिन में उसको अफेक्ट हो गया। खाली इतनी सी बात से, सिंदूर की बात नहीं है खाली, जो उसको स्पर्श मिला, टच मिला, जो हम नहीं देते हैं दुनिया में, बातें कर देंगे, सगे वाले भी नहीं करते हैं। इसके साथ उसे कोई सहारा लगा मेरा, कि कोई मेरा अपना है। मैंने उसकी बात सुनी, फिर उसको प्यार मिला, और जितना भी हम प्रसाद के बहाने, दूसरे बहाने से, कपड़ों के बहाने से हेल्प करते गए, और वो ठीक हो गई। तो इट मीन स्पर्श भी देना, अपना आप देना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। जो आजकल लोग पैसे दे दोगे, सब दे दोगे, वो चीज़ नहीं दोगे, जिसके कारण वो पहला केस था मेरे पास ठीक हुआ। उसके बाद तो काफ़ी आए,
अनदर वन रिसेंटली मैंने देखा, मदर्स को मैं निष्काम में लगाती हूँ, जब वो काम ऐसा करते हैं तो उनका प्रभाव बच्चों के ऊपर होता है जी। एक रिसेंट केस कौन सा है, उसका बेटा है, बेटा 18-20 साल का होगा, जय, अभी अभी वो बाइक चला रहा था, एक कड़ा ने जी बीच में डिस्टरबेंस आ गया ना मेरी, हाँ आप जी हाँ पहले मदर सत्संग में है, सत्संग में खाली आके चले नहीं गए, वो निष्काम करती हैं, पूरा सेवा करती हैं। मैंने सीखा है इन चीज़ों से जो आपको अभी अभी हुआ है, अभी अभी बता रही हूँ। वो 18-20 साल का लड़का बाइक लेके जा रहा है, वो कड़ा था हाथ में, इधर बिल्कुल वो ऑटो रिक्शा जा रहा है और वो कड़ा रिक्शा के उसमें फंस गया, खाली चला नहीं गया उधर, और वो लड़का एक उसमें से खाली इतनी सी स्क्रैच आई जिसमें जहाँ तो उसकी पूरी बांह चली जाती, जहाँ ख़त्म भी हो सकता, घसीटता घसीटता भी जाता था। तो आई लर्न कि निष्काम के इतने फ़ायदे हैं, अगर ये मदर सुनती हैं, मेरे से सुन रही हैं, कि तुम्हारे कर्म जो हैं बच्चों के ऊपर कैसे आते हैं, कितनी बड़ी बड़ी घटनाओं से वो बच जाते हैं। किसी का अगर हस्बैंड कोई अनदर वीमेन के साथ लगे हैं, वो तुम्हें पता चल जाएगा, नहीं तो पूरी उम्र पता ही नहीं चले और तुम्हारा पैसा भी बाहर जा रहा है। इसके कारण उनका एक दिन में वो खेल ख़त्म हो गया, वो लोग ठीक हो जाते हैं। ये सत्संग की महिमा भी है, निष्काम की महिमा, जो सारा हमारी गीता में लॉर्ड कृष्णा ने दिया हुआ है जी। आई एम वेरी ब्लेस्ड कि आपसे मुझे बात करने का मौका मिल रहा है और ये सब चीज़ें ना हम अपनी ऑडियंस को बता रहे हैं, क्योंकि जो आप प्रॉब्लम्स के बारे में हम बात कर रहे हैं ना, आपने जो दो या तीन जो केसेस बताए, जो रियल लाइफ एग्जांपल बताए, वो ऐसे हैं जिससे हर कोई रिलेट करेगा। हमारे आस पड़ोस में, हमारी सोसाइटी में ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, तो अगर उन तक में ये बात पहुंचती है हमारे चैनल के थ्रू, तो इससे अच्छी बात मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती है। आई तो रिक्वेस्ट ऑल द मदर्स, बच्चों को ऐसा स्ट्रांग बनाओ, उनको ऐसा, मैं बच्चों को बोलती हूँ पढ़ते समय उनके पानी भी उधर तक दो, स्टडी टेबल तक, बट अदरवाइज मेक देम टू लर्न एवरीथिंग, अपने पाँव पे खड़े होने वाली सारी चीज़ें। छुट्टियाँ हैं, हॉलीडेज हैं, उन्हें काम करवाइए, पॉकेट मनी अर्न करने दीजिए। क्यों कमज़ोर बनाएं, लड़कियों को कमज़ोर बना देते हैं ससुराल जाने के लिए। वाई? टेक्नोलॉजी हमारे पास है, इस टेक्नोलॉजी का मीनिंग है कि हम दूसरा बढ़िया काम कर सकते हैं, तपस्या भी कर सकते हैं अपना, और बढ़िया का टाइम है हमारे पास, और अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छा सीखो। हम टेक्नोलॉजी के होते भी हम किचन में घुसे हैं, उस लड़की को भी अच्छी बोले टैलेंटेड लड़की है, उसको किचन में घुसा दिया हुआ है सिर्फ, क्यों? उसकी किस्मत होगी भी, अगर आज भी तुम जाग जाते हो, ट्राई करो कि हमारे पास इतना टाइम, हम टेक्नोलॉजी ने हमें इतना सेव करा है टाइम, उसको अच्छी चीज़ में डालो जी। एक और चीज़ मैंने ना काफ़ी सुनी है कि पानी के बारे में, एक एक टर्म होती है वाटर मेमोरी, तो ऐसा लोग कहते हैं कि जो पानी हम पी रहे हैं या फिर जो पानी हमारे घरों में रखा या हमारे सामने रखा है ना, उस पानी में भी हमारी जो भी हमारे एक्शन है उनकी एनर्जी जाती है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? मैंने आप ही को नहीं बोला, इस पॉडकास्ट में दूसरे में भी बोला होगा कहीं, कि हमारा जो किचन है वो मेन अन्नपूर्णा का होता है। उसमें आप एक मंत्रा, अगर बड़ा घर है तो दो तीन मंत्रा रख लो, कोई दूसरे कमरे में भी चलता रहे, किचन में तो मेन मंत्रा चलने दो। उसमें जो पानी का सबसे बड़ा अफेक्ट होगा पानी के ऊपर, बाकी तुम्हारे दाल चावल खाने में सब जगह जाएगा, लेकिन पानी का जो है, जब भी आप पानी पी रहे हो, जल देवता को पहले नमस्कार करो। अभी देखो पानी की, बिजली की, हर चीज़ की कमी हो रही है, गर्मी कैसी पड़ रही है, क्या हो रहा है, परमात्मा हमें सिखा रहा है बच्चों सुधर जाओ। तो पानी को आप जैसे ही पियो, जल देवता को नमस्कार किया, और हर आधे घंटे के बाद पानी पीना ही चाहिए, और वो पानी अंदर जाके मेरा किडनी, लीवर, मेरे संस्कार, मेरे इमोशंस, मेरी फीलिंग सब पवित्र 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 कर रहा है। ये आदत बनाओगे ना, आप जब भी पियोगे आपको याद आ जाएगा, पानी एक मेमोरी होती है, उसने आपकी आदत भी बना ली। फिर उसको देख के अगर आप कोई मंत्र उच्चारण कर लेते हो, उस मंत्र से भी पानी पीते हो, शॉर्ट मंत्र को ओम करके ही चाहे पी लो, वो भी देखो आपको क्या पवित्र बना देगा। यानी कि पानी पीते टाइम पानी को देखकर हमें मंत्र, सेकंड, मैंने किसी को बोल रही, टाइम नहीं है किसी के पास, लेकिन ऐसे हैबिट बनानी है, अच्छी आदतें बनानी है कलयुग में जो टाइम बदल रहा है। ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, यही बच्चे बड़े होके देश के कितने काम आएंगे। बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा मेहनत करें, जब हाथ से निकल गए फिर आप रोओगे, हमारे पास आते हैं, पहले क्यों नहीं बताया, अभी बता रहे हो आप, लेकिन अभी भी शुरू करो, फर्क पड़ जाता है जी। अभी आपने बात की कि कलयुग है, यस, कलयुग के बाद सतयुग आने वाला है दोबारा से, आपके हिसाब से
कलयुग अभी खत्म हो रहा है या फिर सतयुग की? ओ नो, कलयुग 432,000 है इसके साल, 5,000 हुए हैं खाली जी। इधर तक हम हो गए हैं, पागल हो गए हैं, आगे देखो क्या होगा। उसको संभालने के लिए हम चले जाएंगे दुनिया से, तुम्हारे बच्चे, आगे बच्चों के बच्चे जी। ये सोच के जितने बुजुर्ग आत्माएं घर में हैं, लेडीज हैं, अपने सोशल मीडिया से हटके आप अपनी तपस्या में रहिए, उनकी तरफ ध्यान दीजिए कि आप दुनिया में नहीं हो तो भी आपके बच्चों के संस्कार कितने बढ़िया हैं, उनका खाना पीना, उनका ध्यान रख के आपने नहीं रहना है लेकिन आपका नाम रहेगा जी। ये आप जरूर करें। और कलयुग बुरा नहीं है, कलयुग में बोला गया है एक माला अगर मैं करती हूँ 10 माला के बराबर है, बिकॉज अट्रैक्शन इज सो मच। क्यों करूं मैं ये सब, मेरे पास सब कुछ है, इधर गंदगी देखने के लिए भी है, एंटरटेन भी है, सब कुछ है। जो कलयुग में ये सब करता है, इतना बढ़िया कलयुग का टाइम है जो हमें इतने फायदे दे सकता है। और हम कहाँ पहुँचे हैं, टेक्नोलॉजी कहाँ तक पहुँची है, इसे बदनाम करने में लगे, खाली बुरी चीज़ें देखते हो, अच्छी नहीं देखते हो जी। जो सतयुग में भी हो रहा था वो आज भी हो रहा है। क्या उस समय दुर्योधन नहीं थे, कंस नहीं थे, शकुनी नहीं थे, जो आज आप बोल रहे हो, मंथरा ककई नहीं थे? मैं तो बोलती हूँ अगर अभी ज्यादा है मंथरा ककई वगैरह, अगर आपके क्लोज रिलेटिव्स हैं वो लोग घर बिगाड़ देते हैं, तुम्हारे साथ नहीं तुम्हारे घर के प्राणियों के साथ भी, ऐसे लोगों को इमीडिएटली ठंडा पानी चाय वाय पिला के जल्दी भेज दीजिए, अपने घर की बातें मत करिए। वो बहू बेटा तुम्हारे अपने हैं, आप आदतें पड़ी हैं अपने ही घर को खराब करने की, कल को वो किसी और के साथ जाके बदनामी कर रहे हैं। अपने घर की बात अपने घर में ही रख के बातचीत करके मजे से जीजिए, अच्छा परिवार बनाइए। 8 वार है ना, और 7 वार है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, 8वां वार कौन सा है? परिवार। ये कोई नहीं जानता, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वार है परिवार, इसको संभालो जो आज बिछड़ रहा है जी। आज की लड़कियां कोई नहीं चाहती कि हम इनके साथ रहें, बड़ों के साथ रहें, बड़े हमारा गूगल देवता है, जो आप इस गूगल देवता की बात करते हो ना, दे आर एक्सपीरियंस्ड, वो हमें क्या नहीं दे सकते हैं, लेकिन आजकल नहीं मानते, रह गए अकेले अकेले अपना सारे जी। कलयुग के बारे में अगर मैं बात करूं तो आपके हिसाब से या जितना आपने देखा है कलयुग में और क्या क्या बुरा होने वाला है, कुछ है ऐसा? ये तो शास्त्रों में लिखा है ना, जुआरी वाली जगह, जुआ वगैरह खेलने वाली जगह पे है, गोल्ड में है, जो मुकुट परीक्षित ने पहना था उसके कारण उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। तो हमने उन सब साइड इफेक्ट जहाँ से मिलते हैं ऐसे वाली जगहों से बचना है। अपने घर में कलयुग में होते हुए अभी हम बैठे हैं ना, हम सतयुग की बातें ही कर, इसका मतलब सतयुग है, सत्संग में हम बैठे हैं, इट मीन्स चाहे जूम ऑनलाइन है चाहे ऑफलाइन है, वो सतयुग का टाइम है उस समय। तो सतयुग की जो बातें कर रहे हैं तो हमारे अंदर कलयुग कहाँ से आएगा? हम सबको माफ़ करते जाएंगे, हम किसी से बदला नहीं लेंगे, हम बदल जाएंगे। हर कोई जो चीज़ें, सत्संग क्या है, ज्ञान क्या है, उल्टी गंगा, जो हम संसार में कर रहे थे वो हम अभी नहीं करेंगे। मैं किसी को नहीं बोलेंगी ओ यस अभी फ़ोन आया, आई वॉज मिसिंग यू, नो आई वॉज नॉट मिसिंग यू, जो मैं पहले करती थी वो मैं अभी नहीं करूँगी। किसी को झूठे झूठे नहीं बोलूँगी, प्लीज़ खाना खा के जाइए ना, अंदर से मेरा दिल कर रहा है वो आप जाएँ तो मैं अच्छा है। ये सब चीज़ें डॉक्टर लॉर्ड कृष्णा को, गीता को पसंद नहीं, गीता पढ़ोगे ये चीज़ें नहीं आएंगी आपके अंदर। मेरे को प्योर बनना है इधर से वाइब्रेशंस, मेरे अंदर भगवान बैठा है परमात्मा जो मेरे श्वास चला रहा है, तो उसको सच्चा कैसे रहना, वो मेरे को वॉच कर रहा है जी। दूसरी बात ये आती है कि अगर हम कलयुग के बाद बात करें तो उपवास जो होता है, एक मतलब तरीका बताया जाता है कि उपवास करो, फास्ट करो, या तो इससे भी भगवान को हम पा सकते हैं, जैसे यूजुअली होता है शिवरात्रि वाले दिन या जो भी कोई त्यौहार है उस दिन हम करते हैं, तो आज के टाइम के हिसाब से कौन सा ऐसा उपवास है जो हमें करना चाहिए, जो चाहिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? अभी आज के टाइम पे लोग उपवास ज़्यादा कर रहे हैं, सतयुग ज़्यादा चल रहा है, लोग सत्य की तरफ ज़्यादा हैं, लेकिन सोशल मीडिया वाला उपवास सबसे बड़ा बोलो आज मैंने राजगिरा के आटे वाटे वो सब खाना सब खाऊंगी, लेकिन ट्विटर, फेसबुक, सोशल मीडिया, मोबाइल, इस सब का आज मैं नहीं टच करूंगी, इज इट पॉसिबल? ये सबसे बड़ा उपवास है। और आप कितनी शांति पाओगे जी, कितना अपने अंदर जाओगे, आपकी वाइब्रेशन कितनी इंक्रीज होंगी, एनर्जी कितनी बढ़ेगी, तो ये सबसे बढ़िया उपवास है। लेकिन दैट डजंट मीन कि तुमको दूसरा नहीं करना। उपवास में ना थोड़ा एम्प्टी, थोड़ा हम सात्विक फूड में होते हैं तो हमारा फ्लो होता है, हम परमात्मा के नज़दीक होते हैं, ये मीनिंग होता है।
उसके बदले तुम खूब सारा खा जो, आटा चावल नहीं खाने के बजाय सब खा जो, तो वो उपवास नहीं है। तो ये ट्विटर वाला, फेसबुक वाला, सोशल मीडिया वाला उपवास बहुत अच्छा है आजकल। दूसरा ये है कि ये सब ना हमारे सबकॉन्शियस माइंड का खेल है, अगर हमने उसको कंट्रोल कर लिया तो आई थिंक हमें ये उपवास करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, और अगर हम करना चाहते तो हो भी जाएगा इजीली। आपके हिसाब से अगर हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को बिल्डअप करना हो या फिर उसे कंट्रोल करना हो तो कैसे हम कर सकते हैं? ये मैं तो वैसे भी सेशन लेते हैं, मेडिटेशन सेशन। मैंने 2024 में जब शुरू में सबको बोला 31st नाइट को 15 मिनट अपनी लाइफ के, अपने दिन के रखिए कि 15 मिनट मैंने अपने को देने हैं, कमरे में चले जाइए, आसन रख लीजिए अपना नीचे, आप जैसे ही अंदर जाते हैं आपका मन बाहर रह गया, मन बाहर है, मन की कुछ नहीं चल रही है, अंदर आपके सारा अपनी गंदगी दिखाई देगी, मेरी क्या क्या कमियां थी, तुम आंखें खोल दोगे, लेकिन मत करिए, वो एक दो दिन का खेल है। जैसे ही मन शांत हुआ मुझे अपनी गलतियां, अपनी कमियां दिखना शुरू हो जाती हैं। अगर गाइडेड मेडिटेशन है तो आपको धीरे धीरे वो सब क्लियर होता है, तो आपका ये मन के अधीन जो हम होते हैं पूरा दिन वो नहीं रहता है। मेडिटेशन का मतलब ही नहीं है, सबकॉन्शियस माइंड का मतलब कि मैं अपने अंदर सब कुछ बाहर छोड़ के आँखें बंद करके अपने अंदर जा रही है। जैसे ही आप अंदर गए शांति छा गई और आपका सारा जो जो नेगेटिव पॉइंट है वो आएंगे बाहर, पॉजिटिव नहीं दिखेंगे। फिर हमको शांत में तो पता चलता है ना, तो फिर हमारा इम्प्रूव करना शुरू कर देते हैं। जी इसी में ना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा पार्ट है जिसको हम कहते हैं 7 चक्रास, या फिर 7 चक्र होते हैं हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में, जिनके ऊपर कंट्रोल पाने के लिए ना लोग बहुत तपस्या करते हैं, अपनी पूरी डेली रूटीन को चेंज कर देते हैं, लेकिन फिर भी नहीं कर पाते हैं। मैं आपसे ना थोड़ा सा समझना चाहूँगा कि क्या होते हैं ये चक्रास, क्यों इम्पोर्टेंट है इनको कंट्रोल करना, और क्या फ़ायदे हो जाते हैं? 7 नहीं है, 108, 112 भी बोले गए हैं चक्रास, लेकिन 7 चक्रास ज़्यादा एक्टिवेट करते हैं हमें, जो इधर तक है, इधर तक, इसके ऊपर इतने एरिया में भी चक्र है, उसके ऊपर चक्र है, ये ऐसे आकाश से हमारे ऊपर सारी वाइब्रेशन बरसती हैं। जब हम ऐसे बैठते, पिरामिड बन जाता है हमारा जब हम बैठते हैं ना आसन लगा के, तो वो पूरा कवरिंग हो जाती है। तो 7 चक्रास मेन है, जो साधु पुरुष हैं, संत महात्मा हैं, वो हिमालय में भले जितना भी टाइम लगाएं, हमारे लिए हम संसार में हैं, गृहस्थ में हैं, ईजिएस्ट वे है, नाभि के नीचे हमारे 2 चक्रास हैं, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, उसमें भोग वगैरह सब कुछ आता है। 3rd चक्र मणिपुर चक्र नाभि का, जिसमें हमें मान सम्मान ये सब चाहें हैं हमारी वो मिलती हैं। 8th चक्र फुल ऑफ लव, वासुदेव का चक्र बोलते हैं इसको, हृदय चक्र। और फिर है 5वां थ्रोट चक्रा, जहाँ शिव जी ने जहर पिया था, हमें बताया जाता है कि जहर को बाहर मत निकालो, इधर ही रखो। तो ये 5वां चक्र आ गया, 6ठा ये आ गया, 7वां ये। अभी इनके 20 मंत्राज हैं। मूलाधार, ये देखो ये हाथ है ना हमारे, ये है मेरा पृथ्वी चक्र, इसका क्या है, और इतना इजी वे, नहीं पढ़ो नहीं बैठो कुछ भी, लम एक एक सेकंड मैंने इसको ऐसे पकड़ा, ये हो गया जल तत्व, वाम आंखें बंद हैं ये आप करें, ये हो गया अग्नि तत्व, राम ये नाभि से कनेक्टेड ये जो है, फिर आ गया हमारा वायु तत्व, इसमें आ गया यम ये आकाश तत्व, ये आ गया हम। ये चीजें आप 2 मिनट लगने हैं, कर लो, जो साधु पुरुष हिमालय में कर रहे हैं वो अफेक्ट आपको मिलता है। आप रिपीट कर सकते, आप भी कर सकते हो, आपके लिए बहुत अच्छा, आप इतने अच्छे काम कर रहे हो, इट विल बी मोर गिविंग यू एनर्जी। लाम वाम राम यम हम ओम जी, कितना सेकंड लगे, लाम वाम राम यम हम ओम, एक बार रिपीट करोगे आदत बन जाती है। दिस फॉर यू पीपल इट इज वेरी गुड जी, यानी कि हम इजीली बिना अपने बाकी चीजों को डिस्टर्ब किए अपने नॉर्मल लाइफ में हम इन चीजों को इंक्लूड कर सकते हैं। अनदर इज मुद्रा है इसकी, ये वाली मुद्रा है इसकी, इधर से लेके इधर तक ऊपर लेते जाओ, ऊपर से नीचे, 5-5 मिनट तो अपनी जिंदगी में दो ना, ऐसे कैसे चलेगा टाइम नहीं दोगे तो। जी जी, इसके अलावा ना एक चीज मैंने सुनी थी ब्रीथ के बारे में, ऐसा कहा जाता है, अब मुझे नहीं पता वो सच है झूठ है क्या है, वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ ब्रीथ के बारे में। हमें मतलब ऐसा मैंने कहीं सुना है कि हम अपनी लाइफ को ना हम कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे
अपनी ब्रीथ के ऊपर कंट्रोल करके। यस। तो उसके पीछे का सच क्या है? अभी ये ब्रीथ है तो मैं आपके पास बैठी हूँ, बात हो रही है, ब्रीथ नहीं तो मैं मुर्दा, डेड बॉडी होती। श्वासों की तरफ मैंने थोड़े दिन पहले भी किसी सबको बोल रही थी, दो दो मिनट या पाँच पाँच मिनट में एक सेकंड के लिए ऐसे देख लिया करो सिर्फ इसका, इट इज़ आई एम कनेक्टेड विद द सबकॉन्शियस माइंड, खाली दो दो सेकंड के लिए देखना है। तो इससे क्या होगा, हम मैं उधर से भी जुड़ी हुई हूँ। ब्रीथ के कारण क्या होगा, कोई भी प्रॉब्लम आ रही, बीमारियाँ कैसे हुई, हम बैठे बैठे हैं ऐसे ही खा भी जा रहे, बिना अज्ञानता से चल रहा है सब कुछ। ज्ञान हो गया, ज्ञान बया कर्मी नाश, सारे कर्म सब कुछ नाश हो जाता है जब हमें सुजागी मिल जाती है जी। तो इससे ब्रीदिंग से क्या होगा, आपका एक श्वास जा रहा है उसको माला ही बना लो। एक और चीज़ बताऊँ आपको, अगर किसी के आपकी नहीं बन रही है वो जो सो एंड सो नेम, आपने श्वासों की माला से उसको नाम लिया ना, देखना आपको कॉल आ जाएगी। ये हमारे इतने जुड़े हुए हैं, इस चीज़ की विद्या कहीं नहीं मिल रही, और पैसा कमाने की विद्या सब जगह है जी। इवन बिगेस्ट से जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, तो भी देखो क्या है, मनी 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 है ना, इस विद्या की तरफ क्यों ध्यान नहीं है? तो जो पढ़े लिखे ऐसे ऑक्सफोर्ड वाले, हार्वर्ड वाले, मैंने देखा दे गो फॉर विपस्सना, छुट्टी लेंगे, अगर नहीं है सेहत तो जरूरी है ना, कैसे करोगे तुम? तो विपस्सना में जाएंगे, किसी मेडिटेशन क्लास अटेंड करेंगे, इसके बिना तुम्हारा गुजारा नहीं है, कमा तो लिया खाओगे कैसे? तुम्हें सारा पैसा फिर तुम्हारा बीमारियों पे जा रहा है, आज तुम नहीं परवाह कर रहे हो। सो इट्स सो इम्पॉर्टेंट कि ब्रेथ जो है हमारी, एक भजन है, श्वासांदी माला नल सिमरा मैं तेरा नाम, तो इसका नाम ही बना लिया जो गुमुखी लेके बैठे होते हैं, राम जप ही रहे हैं, श्वासों के साथ नाम चल रहा है। और ये श्वास 21,600 श्वास है एक दिन में मेरे पास, 21,600, वो किसमें, जहाँ लोगों की बातों में करो, जहाँ अपने में लगाओ। अपने में लगाओगे तो फायदा है, लोगों की बातों से एनर्जी लो कर दी हमने अपनी जी। एक और चीज़ है, ऐसा कहा जाता है कि अगर हम अपनी ब्रीथ के ऊपर कंट्रोल कर ले, जो हमारी ब्रीथ साइकिल है, अगर हमने उसको कम कर दिया, यानी कि जहाँ yes. तो उससे हम अपनी एज को कंट्रोल कर सकते हैं। ये 10 उंगली श्वास हमारा जाता है, 10 उंगली से कम होते होते हमारा 6 उंगली तक जाना चाहिए। इसके लिए मैं आप सबको बोलती हूँ, टंग है ना, खिचड़ी मुद्रा बना दो, ले जाओ अपने पीछे, जितना ले जा सको, एक्सीलेंट, नहीं आदत है तो हो जाएगी। दिस आई एम कनेक्टेड विद सबकॉन्शियस माइंड, ऊपर से मैं जुड़ गई, इससे मेरे श्वास बच गए। आप कभी भी टेंस होवोगे, आप मेरी बातें याद रखना, आप ही अप्लाई करना, लोग चाहे करें नहीं करें, आप इसको करना, आप देखोगे 2 मिनट में फ्रेश होगे। इतना फर्क पड़ता है। मैं इसको अप्लाई करती थी, अगर मैं अभी तो मेरे पास दूसरी लिफ्ट है, वहाँ लोग कम होते हैं, दूसरी जगह रहती थी, अगर लिफ्ट में मेरे साथ लोग हैं, मैं कब से 40 सालों से जा रही हूँ सत्संग जाना है, लोगों की वाइब्रेशन मेरे में, आई यूज टू पुट माय दिस खिचड़ी मुद्रा, आसे पासे लोगों का आपके ऊपर अफेक्ट नहीं होगा। आई एम नॉट दिस बॉडी, बॉडी तो गाड़ी है, ये पता ही नहीं है लोगों को, मेरे गुरु ने बताया तुम एक आत्मा हो, तुम ये शरीर नहीं हो। आप अगर मुझे पहला देखते तो संसारियों से भी वर्स वो थी, मॉडर्न हो रही है। जैसे गुरु मिला, पता चला मैं एक आत्मा हूँ, तो मैंने उस पर उसकी वाइब्रेशन ऐसी पड़ी कि आत्मा की तरफ देख रही हूँ। आप सारे भी आत्मा हो, ये नाम रूप आपके मम्मी ने दिए हैं, हम सारे वो हैं। क्यों बोलते हैं, हे अर्जुन अशोक रहना तेरा धर्म है, इसको शोक हो रहा है शरीर को, आत्मा को शोक नहीं हो रहा है, आत्मा साक्षात खड़ी है। तो जब आत्मा है तो फिर वो मेन, उसकी एनर्जी बढ़ानी है हमने, वो भगवान से प्रार्थना वो करनी है, ना कि एक गाड़ी है आपकी, आप सुन लो, आप भी दोनों जने, ये सिर्फ गाड़ी है, ये ड्राइवर अंदर बैठा है जी, उसने चलाना है। नाउ आई एम नो मोर ऑफ स्लेव ऑफ माय माइंड। जिस दिन मेरा गुरु मिला, मुझे पता चला आई एम नॉट, मेरा मन बोल रहा है उसको बुरा भला बोलो, मैंने नहीं बोलना है, कल तक मुझे पता नहीं था, आज मैं अपने को बोलूंगी, दूसरे को नहीं बोलूंगी। सो क्या फायदा हुआ, गुरु के मुख से गीता सुनी, गीता से जीवन बदलाव आया, यही इन सब लोगों की जिंदगी में हो सकता है। करना तो शुरू करो, करना तो पड़ेगा जी। जैसे अभी अभी आपने बात की खिचड़ी मुद्रा के बारे में, तो इसके बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा कि इसके क्या क्या बेनिफिट होते हैं, बेसिकली इसको करते कैसे हैं? इसके मैं तो इतना एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती हूँ जो इनके फायदे हैं जी। आप गूगल पे देख लेना, बाद में कहीं टाइम आपका चला जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आम मम, मैंने अगर किसी से बात भी करनी, मेरी खिचड़ी मुद्रा की इतनी आदत पड़ गई है कि मेरे कोई जवाब ही नहीं दोगे आजकल जो है। जितना तुम लोग मैसेज क्यों करते हैं आजकल, फ़ोन पे बात करोगे झगड़ा हो जाएगा, मैसेज के थ्रू बच जाते हो। तो जब खिचड़ी मुद्रा है, यू आर क्वाइट,
यू आर नॉट इंट्रैक्टिंग एंड यू आर पावरफुल विद दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर एनर्जेटिक, यू आर मोस्ट पावरफुल, यू आर एनर्जी फ्लोइंग फ्रॉम हियर. ये फ़ायदा इसका जो सबसे बड़ा है, बाकी तो इसके साथ कनेक्टेड और बहुत ज़्यादा है. जी हम कुछ और मुद्रास के बारे में बात करते हैं. जैसे कि मैं अभी तक समझ पाया ना कि हम यहाँ पे ऑडियंस भी देख रही होगी कि यहाँ पे ना हमने स्पिरिचुअलिटी के साथ में हमारी हेल्थ को, हमारे डेली लाइफ को रिलेट किया है. तो कुछ ना लोगों की प्रॉब्लम है जो बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है, जैसे मैं एक बात करूँ ओबेसिटी या फिर वेट लॉस के बारे में, क्या कोई ऐसी मुद्रा है जो उसमें हेल्प कर सके हमारी? ये सन मुद्रा है, सन फिंगर है ये वाली. जी ये इसको सूर्य की मुद्रा भी बोलते हैं. जी इसको आप ऐसे रखिए तो ये आपका फैट लॉस कर, आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन मोस्टली मुद्रा जो होती है वो खाली पेट होनी चाहिए. खाने के बाद इतना अफेक्ट नहीं करती. ये सब काम सुबह कर लो या फिर शाम को करो खाने से पहले. तो ये लग के टीवी देख रहे हो, कुछ कर रहे हो, आप ऐसे बैठे रहो, आपको पता ही नहीं चलना अंदर अंदर से कैसे कैलोरीज बर्न हो रही हैं. इतना अफेक्ट बताया है लोगों ने. हम अभी भूल जाते हैं, इतना बिजी हो गए, केवल जब भी याद आता है हम कर लेते हैं इसको. जी ये पृथ्वी मुद्रा हो गई, इसकी फैट मुद्रा हो गई. आप अगर वॉक कर रहे हो सुबह में, यही फिंगर जो मैंने आपको बताया था कि इससे आप शमशान में भी चले जाओ, निर्भय मुद्रा, यही मुद्रा मेरी नीचे चुंबकीय है. वाइल वॉकिंग हमें, जिनको बोलते ना नॉलेज इज ए पावर, पता चल गया. हम सैर करते हैं, कितने सालों से हम कर रहे हैं, आप ऐसे हाथ रख के चलते हो, आप पूरा पृथ्वी का चुंबकीय आकर्षण जो है वो सारी पावर आपके पास आ रही है. जी. तो वो ये मुद्रा होगी जब आप वॉक कर रहे हो, इससे आपको वो शक्ति मिल रही है. लोगों को पल्पिटेशन हो रही है, अभी डॉक्टर के पास पहुंचना है, प्रॉब्लम आ रही है. हार्ट मुद्रा है, देखो ऐसे करा है गोल. जी इधर से ये मैंने मिला दिया साथ में. जी आपको भी कभी हो, घर में किसी को हो, आप उनको बोलो इमीडिएट ऐसे बैठो और ये फिंगर, ये देखो ये हार्ट मुद्रा बनी है. इवन खाने के बाद भी आप कभी इसको बैठो, हैवी खाना खा लिया है, आप ऐसे करके बैठोगे तो आपको अंदर में बहुत फर्क पड़ेगा. जी तो एक डायबिटीज़ के लिए मुद्रा है जो नॉट ओनली वन थिंग, फ़ायदे औरों को भी बहुत ज़्यादा होते हैं. मेन हम बोल देते हैं ये दो फिंगर और ये देखो ऐसे हाथ है, ऐसे करा, ये आप इसमें बैठो, देखो आपके शुगर लेवल कैसे होंगे, आपके और भी चीज़ों के इफेक्ट है. क्योंकि मैंने अग्नि उसको भी डाल दिया, थाम भी ज़रा अग्नि देवता है और मैंने आकाश देवता भी है और ये पृथ्वी भी है, तीन को बनाया है. और हवन करते भी समय, जब पवित्र करते समय हम इन चीज़ों को यूज़ करते हैं, इनको ऐसे करके सामग्री डालते हैं. पंडित आचमन लेते हैं, दाएं हाथ को ज़्यादा माना गया है, आचमन लेते हैं, कोई ऐसे करके लेता है, कोई ऐसे, इन सब, ये सब हमारे हाथ में है लेकिन लोगों को पता नहीं है. इन सब का कोई ना कोई मतलब है, क्योंकि अदर इज हेल और हम हेल में पड़े हैं. दूसरे में ही पड़े हैं तो हमें शक्ति कहाँ से मिलनी है? क्यों दूसरा देखना है मैंने? क्यों नहीं मैं अपने को स्ट्रांग बनाऊँ? जी एक और प्रॉब्लम है जो लोगों में आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है, हाइपरटेंशन उसका नाम है. तो उसके लिए क्या हम कुछ कर सकते हैं? एंग्जाइटी, हाइपरटेंशन, एक डेली इनका लाइफस्टाइल थोड़ा चेंज करना है और कुछ भी नहीं है. कोई मुद्रा है उसके लिए? ये तो मैंने इसका जो बताया, ये तो सारी चीज़ों के लिए बताई मैंने आपको. जी दिस इज़ द एक्सेलेंट मुद्रा फॉर हाइपरटेंशन. कैसे? हार्ट बीट भी हो रही है, डिप्रेशन भी है, एंग्जाइटी भी है. दिस सेव्स, इट्स नॉट ओनली वन, जो जो चीज़ बता रही हूँ ये पूरा आपकी बॉडी के ऊपर अफेक्ट कर जाती है चीज़ें. तो दिस कैन, दे कैन डू. जी हम ये सभी करें तो हमारी बॉडी में जितनी भी हमारे प्रॉब्लम्स है सबका सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा. क्योंकि आलस रहेगा, बोलोगे नहीं कोई बात नहीं सो जाते हैं, सोए सोए भी करो. जी कई लोगों ने लेटे लेटे ऐसे करके करके कई लोग लेटे लेटे ठीक हो गए हैं, सिर्फ श्वास बदल गए. 72 करोड़ नाड़ियां हैं हमारे अंदर, तीन नाड़ियां मेन है, ईडा पिंगला सुषमा. ईडा पिंगला है, सुषमा जो है वो बीच में ब्रेक के बाद आती है और हमें पता नहीं है. हम किसी की बात, एक तो बातें करना बंद कर दोगे ना तो ईडा पिंगला सुषमा भी हमारा साथ देंगी. उस समय मैं जो बोल रही हूँ वो तथास्तु हो जाता है. मेरे गुरु बोलते थे तुम्हारे आसे पास एंजल्स हैं, वो घूम रहे हैं. कभी तुमने गए ओ भगवान मुझे ले जा, क्या पता कब कौन सी बात सच्ची होगी और तुम चले भी गए. ऐसे मत बोलो, नेगेटिव मत बोलो, अपने बारे में भी नहीं, किसी के बारे में भी नहीं. इसके बारे में कोई जानता ही नहीं, जो जान गया वो मजा ले गया. हम लोगों की ना आजकल एक नई प्रॉब्लम आ गई है जो मेरे एज के जो लोग हैं या फिर जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं वो लोग ज़्यादा फेस कर रहे हैं, वो है नींद की प्रॉब्लम, स्लीप.
क्योंकि होता क्या है कि एक तो लोगों की जो शिफ्ट होती है, ऑफिस होते हैं, उनका कोई टाइम फिक्स नहीं है, रात को भी काम हो रहा है, दिन में भी, जिसकी वजह से ना जो स्लीप साइकिल है ना पूरी डिस्टर्ब हो गई है। और लोगों को ना एक सोल्यूशन चाहिए कि बस मैं लेट हूँ और मुझे नींद आ जाए, लेकिन लोगों को नींद नहीं आती है। नहीं, आप बात कर रहे हो, जो कॉल सेंटर वाले भी लोग हमारे पास हैं सारे हैं, अगर रात को जाग रहे हो तो वो दिन में ट्राई करते हैं अपना कवर अप करने की। ऐसा नहीं है कि नहीं, ऐसे पागल बन जाते, क्यों, वो दिन में सो जाएंगे। हमारे वॉचमैन नहीं होते जो रात के वॉचमैन होते हैं, दिन में होते हैं। जी मीन जो रात को जागा वो घर जाके सोएगा नहीं, प्लान करेगा ना अपनी लाइफ को। तो फिर दूसरा, तुमने नींद लानी है तो पहले मोबाइल को जल्दी छोड़ना पड़ेगा पीछे। नहीं छोड़ सकते तो बोलो मैंने छोड़ना है, करना पड़ेगा ना, कुछ किए बिना तो कुछ भी नहीं मिलना। तो उसके बाद हमारा जो सप्तशती में मंत्र है, सोते समय मैं तो हम क्या करते हैं, पाँव वाँव धो के सोवो, इससे मस्त। ये तो लक्ष्मी भी बोलते हैं ना, पाँव साफ हैं तो लक्ष्मी भी आती है। हमें डराते हैं कि हम ऐसा साफ तरीके से सो जाएं, हो सके तो कोई ऑयल वगैरह भी लगा लो अपने पाँव में, अच्छी बात है अगर टाइम है। सोने से पहले जब आप पिल्लो पर अभी लेटना है तो आप उस समय पहले परमात्मा से जुड़ के, एक मंत्र है वो जो हमारी सप्तशती में है, जा देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्था नमस्तस्य 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 नमः नमः, इतना ही बोलो। रोज की रूटीन बना लो, 11 बारी बोलो, 21 बारी बोलो, आप 108 तक भी चले जाओगे, आपको इतना मज़ा आना शुरू हो जाएगा। तो हम जो दवाई भी खाते हैं, हम क्या करते हैं, नॉर्थ ईस्ट की तरफ दवाई खाते समय मुंह रखना है, जा देवी सर्वभूतेषु औषधि रूपेण संस्थिता, और दवाई मुंह में डाल रहे हो और वो दवाई तुम्हें असर कर रही है। क्या नहीं है गीता में, क्या नहीं है सप्तशती में, हमारे मार्कंडेय ऋषि ने इतना कुछ पहाड़ों में बैठ के इन लोगों ने तपस्या करी। सिर्फ इंसान इधर बाहरी दुनिया में अभागा बन रहा है, भाग्य लेके आए हैं, अभागे बन रहे हैं हम। सब कुछ रिजल्ट मिल सकता है, इतना खुश हो जाना कि वी हैव, समस्या का समाधान है। कर्म होगा भी पुराना, हम नहीं देखेंगे, हम पुरुषार्थ करेंगे। आपसे बात करके ना मुझे ऐसा लग रहा है कि जितने भी मेरे क्वेश्चंस होने वाले हैं, जितने भी मेरी प्रॉब्लम्स, या फिर हमारी जो भी ऑडियंस है उनके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, डेली लाइफ से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, उन सभी का सॉल्यूशन ना, मतलब आप जो सॉल्यूशंस बता रहे हो हमारी गीता की तरफ से, या फिर नॉर्मली हम जो कुछ चेंजेस करके अपनी लाइफ में कर सकते हैं, वो सबका सॉल्यूशन आपने हमें दिया है लगभग। अरे मैं क्या बताऊँ, अभी हमारे पास थायराइड पेशेंट भी थे, आई एम नॉट ए डॉक्टर, सत्संग सुनते सुनते उन लोगों को पता ही नहीं, एक तो निष्काम में बिजी भी कर देते हैं, थायराइड खत्म हो गया, एक को अभी कैंसर फोर्थ उसका आ जाता, मैं उसको बोलूंगी वो कभी शेयर करे, वो इंसान को मेरे को अभी इधर बैठे बैठे याद आया है। तुम्हें अच्छे कर्मों से हमें सहयोग मिलेगा और हमारे वो जो होने वाली गड़बड़े हैं वो पहले पता चल जाती है। कईयों को फोर्थ वो पहुंचने वाले थे, उनको सहयोग मिला, एक महीने के अंदर ख़त्म, क्योंकि अच्छे कामों में लगे, सत्संग सुना, अच्छी बातें गई कानों में, बीमारियां तो पहले चली जाती हैं, दवाइयां छूट जाती हैं। सिर्फ हमें परमात्मा करे हमारे को ऐसा सहयोग मिले, हमें गलत कंपनी से बचाए, अच्छे संग में रखे, मांगो भगवान से, भगवान देने को तैयार है। जी गुरु माँ जी, बहुत सारी बातें जो मैं आपसे करना चाहता हूँ, और मैं थोड़ा सा ना ऑडियंस को भी बताना चाहता हूँ आपके बारे में, आपके जो ऑर्गेनाइजेशन उनके बारे में भी, कि मुझे पता लगा है कि लोग ना चैरिटी भी कर सकते हैं, आप भी चैरिटी करते हैं, लोग भी आपके आपके साथ कनेक्ट हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा आपसे। हमारा डिवाइन केयर फाउंडेशन है, नाम डिवाइन क्यों रखा, इस जन्म में मेरे भी जो निश्चय है ना वो बहुत पक्के हैं, मैं लाखों वो बना सकती थी, NRI भी, दूसरे भी, डोनर्स भी, हमने डिवाइन लोगों से ही हम चैरिटी करवाते हैं, करते हैं, हमने दूसरे नॉर्मल नहीं रखे। नॉर्मल रखने से क्या होता है, हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो डिवाइन केयर फाउंडेशन है जहां हम एजुकेशन, जो बेचारे जो फी वगैरह नहीं दे सकते कॉलेज में वो करते हैं, जो मेडिकल का भी रखते हैं, ब्लाइंड हैं, हैंडीकैप्स हैं, और खाने पीने के लंगर लगे रहते हैं, जितने लोगों के घरों में हमारे चीज़ें होती हैं जो एक्स्ट्रा पड़ी हैं वो भी हम इकट्ठा करके जो नीडी लोगों के काम आ जाए।
इस चीज से होता क्या है आपको कि आपकी जो बड़ा संकट आने वाला होता है ना वो भी कम हो जाता है, क्योंकि मैंने आगे से अपना बीज अच्छा डाल दिया, वो डिवाइन केयर फाउंडेशन कर रही है। सो डिवाइन केयर फाउंडेशन जो है ये परमानेंट हेल्प की हम ज्यादा जाते हैं, हम भिखारी नहीं बनाते हैं, आज इधर मांग रहा है कल उधर मांग रहा है। इसमें एक स्टोरी भी है, एक संत खाना खा रहे थे, उनको चार पाँच रोटी थी उनकी प्लेट में, एक मांगने वाला आया, उसके हाथ में वो बर्तन तो था ही, उसने चुपके से अपना खाना खाया, कोई दया नहीं खाई, कोई कुछ, अपनी एक रोटी भी नहीं दी, हमें सीखना चाहिए इस दृष्टांत से। उसने हाथ खाना खाया, हाथ मुंह धोया, उसी का बर्तन लिया, उसी को बेचा, उससे कुल्हाड़ी ली और बोला रोज़ लकड़ी काट और खा, तो परमानेंट हेल्प हुई। हमने कितने हमारे ब्लाइंड भी लोग हैं बेचारे जो नहीं कर सकते हैं, उनको कितनों को नौकरियाँ मिली हैं, कई मॉल्स में भी कईयों को लगवाया है हमने, कई हम प्रेसिडेंट से बात करते हैं उधर जाके मॉल्स में, ऐसे ऐसे हमारे लोग हैं, ये तो कितने सालों से चल रहा है अभी मुझे याद भी नहीं आ रहा, ये बहुत ज़्यादा हुआ है। और दूसरा हैंडीकैप जो है उनकी, जो बैठ चल नहीं सकते, उनकी उधर ही दुकानें खुलवाई हैं जी, ये परमानेंट करें। फिर एजुकेशन तो है ही है उसकी, पढ़ने के लिए उनको ये जितनी हेल्प हमारी हो सकती है। फिर लड़कियां जिनकी शादियां नहीं होती थी, हम पैसे तो इतना नहीं भी दे सके, क्योंकि मैंने लंबा बनाना चाहती तो बनाती, लेकिन हमने ऐसा खुद नहीं करा, मैं डिविनिटी को नहीं जाने देना चाहती, डिवाइन ही रहे सब कुछ, तो उसमें हम सारे लोग मिलके साड़ियां, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, जितने भी हमारे से एक बर्तन जो लड़की को चाहिए होता है दहेज, वो सब हम बना के वो भी करते हैं। तो चारों तरफ से दुआएं ही दुआएं इकट्ठे कर रहे हैं और आज हम हंस रहे हैं, अगर दुआएं नहीं है तो दवाइयां खानी पड़ेंगी जी। ये तो है। इसके अलावा ना आपने काफ़ी बार बात की कि लोग आपसे कनेक्ट हुए, आपसे सत्संग में मिले, आपसे बात की, उन्होंने अपनी प्रॉब्लम शेयर की, तो मैं थोड़ा जानना चाहूँगा कि हमारी ऑडियंस को भी पता लगे कि आपके सत्संग में कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, आपसे कैसे मिल सकते हैं और कैसे पार्ट बन सकते हैं। हाँ, उनको लिंक दे देंगे, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे सकते हैं उनको हमारा, और हमारा सुबह 5 से 6 मेडिटेशन होता है, जूम सेशन होते हैं। मेडिटेशन 20 मिनट का होने के बाद मैं गीता ज्ञान जो सुबह का टाइम होता है, मुझे खुद भी बहुत मज़ा आता है, ब्रह्म मुहूर्त होता है, अमृत वेला होता है और गीता का ज्ञान चल रहा होता है, विद अपने अनुभव से जो मैंने अपने गुरु से सीखा था उस तरह से एक्सप्लेन करती हूँ। 5 से 6 जे हो गया, 7 से 8 हमारा, 8 से 9 हमारा इवनिंग को सत्संग होता है, जूम सेशन है ये जी। तो आप ये भी कर सकते हो, जुड़ना चाहते हो तो आपकी मर्जी। तो ये तो मतलब बहुत ही आसान हो जाएगा लोगों के लिए कि लोग कहीं पर भी हैं वो जूम ऐप को इंस्टॉल करके डायरेक्टली आपसे कनेक्ट हो सकते हैं, आपके जो सत्संग है उनका पार्ट बन सकते हैं, तो काफ़ी इजी रहेगा। बाकी इसके अलावा गुरुमा जी, मतलब बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर और मैं चाहता हूँ कि हम दोबारा मिलते रहें। मैं चाहूँगा अपनी ऑडियंस से कि वो बताएं कि वो आपके बारे में क्या जानना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं, वो कमेंट्स में अपनी जो राय है, अपने सजेशंस हैं, अपने फीडबैक्स हैं वो शेयर करें और हमें बताएं। अगर वो चाहते हैं कि हम एक और पॉडकास्ट करें गुरु माँ के साथ में, तो डेफिनेटली हम करेंगे। और बाकी आप अगर कोई मैसेज देना चाहते हो हमारे चैनल के माध्यम से हमारी यूथ को, हमारी ऑडियंस को, हमारी इंडिया को, तो वो आप दे सकते हैं। मेरा मैसेज सारी दुनिया के लिए, ऐसे तो हम बोलते हैं, हम सोचते हैं हम जुड़े हुए हैं परमात्मा से, जो घर में आरती कर देते हैं ना, ओम जय जगदीश समझते, वही जुड़े हैं परमात्मा से। जुड़ना माना इनर कॉन्शियसनेस से, यूनिवर्स से जुड़ना, उससे जुड़ जाओगे, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग तो है, राजयोग नहीं है हमारे पास जी। राजयोग माना परमात्मा से जुड़े हुए, उसके साथ हमारा जो संस्कार स्वभाव सब बदलेगा। अगर परमात्मा को पकड़ लिया तो पूरी दुनिया, आपको दुनिया के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं होगी, ये मेरे लाइव अनुभव भी है। और इसमें छोटी सी जाते जाते स्टोरी सुना दूँ, एक राजा की 7 रानियाँ हैं। राजा कहीं जा रहे थे, रानियों को पूछा क्या चाहिए क्या चाहिए, सबने डिमांड दे दी अपनी, एक रानी समझदार बोलती आप आ जाना। अभी सोचो जब राजा आए हैं सीधे कहाँ गए, उस रानी के कमरे में जिसने बोला आप आ जाना मुझे कुछ नहीं चाहिए, उस कमरे से उसने दूसरी रानियों के सामान भेज दिया कि लो जी तुम्हें सामान चाहिए तुम लो। जिसको राजा मिल गया उसको सब कुछ मिल गया जी, ऐसे ही जिसको परमात्मा मिल गया उसको सब कुछ मिल गया। इसके साथ एक और चीज़ है, एक जगह किसी ने 7 स्टोरीज पे नीचे मटन चिकन वो रखे, नॉनवेज रखा, औरतें रखी, शराबें रखी, सब कुछ रखा, ऐसे 7 फ्लोर बना के सब लोग आए, जपटे जो जो चीज़ उनको चाहिए थी जी। एक जना सियाना आया था, बोलता ये तो सब मिल जाएगा, वो कहाँ है
जिस जो ये चला रहा है मैं उसको ढूंढना चाहता हूँ, तो वो सेवन फ्लोर पे उसको ढूंढा। ऐसे हमको इस संसार की बातों से, सब कुछ है हमारे पास, दे कौन रहा है उसकी खोज करनी है, वो परमात्मा कौन है। तो आज का मैसेज है कि आप परमात्मा के बिना हमारा कुछ भी नहीं है, उससे जुड़िए और आप सुख पाइए, सब कुछ मिलेगा उससे मिलने के बाद। जी, बहुत बहुत खूब आपने कहा, बहुत सही कहा, क्योंकि यही एक चीज़ है जो लोग समझ नहीं पाते yes. कि हमारा अल्टीमेट गोल क्या होना yes. चाहिए। ये अगर हमें समझ में आ गया तो लाइफ कितनी सिंपल हो जाएगी। जाना कहाँ है दोबारा, किसको मिलना है, हिसाब उधर होगा ना। जी, ज़्यादा हिसाब उधर होगा, थोड़ा इधर भी होता है। जी गुरु माँ जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और मैं मतलब आपका दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने हमें मौका दिया कि हम अपने चैनल के माध्यम से आपको, हमारे लोगों तक पहुँचाएँ, आपकी जो बातें हैं वो हमारे लोगों तक पहुँचें। और इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि ये पॉडकास्ट सुनने के बाद ना लोगों की लाइफ में चेंज ज़रूर आने वाला है, क्योंकि बहुत ही सिंपल सिंपल चीज़ों के बारे में हमने बात की, जो कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि किसी को समझ में ना आए। और फिर भी अगर कोई चीज़ है जो आपको समझ में नहीं आई है, तो जो गुरु माँ जी हैं इनकी सारी ही डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इनके जूम वेबिनार पे जो सत्संग होते हैं उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप इनसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं। इनका खुद का भी जो यूट्यूब चैनल है उसकी डिटेल्स भी अवेलेबल है। सो डायरेक्टली माँ जी आपसे लोग कनेक्ट होने वाले हैं, तो मैं यही आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट रहेगी, मेरी प्रार्थना रहेगी कि जो भी लोग आते हैं आपके पास में हमारी तरफ से, किसी की तरफ से, उनको सबको सॉल्यूशन मिले, सबको एक सही मार्गदर्शन मिले, यही मैं चाहूँगा फाइनली आपसे। जी थैंक यू। हरिओम।